हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ये कार्यक्रम जो कि किसान भाइयों के लिए है बकरी पालन पे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग गौर से इस कार्यक्रम को सुने और साथ ही आप अपना सवाल चैट बॉक्स में कर सकते हैं। आप हमें सवाल को लिखकर ही भेजें, सभी सवाल लिए जाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सी के पांडा जी जो कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ये कार्यक्रम जो है लगभग ये शुरू हो गया है। तो ये हमारे साथ हैं डॉक्टर सी के पांडा जी जो कि इस परियोजना के पीआई हैं। जी डॉक्टर, धन्यवाद ईश्वर जी। पहले मैं ईश्वर जी को धन्यवाद देता हूँ क्यों हम लोग इस बार जूम में जूम एप्स के आधार पर यूट्यूब में डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं। हम लोग का इस बार जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मोड थोड़ा अलग तरह से कर रहा हूँ जैसे और भी ज्यादा लोगों के पास अच्छे से पहुंचे। तो पहले हम लोग आपको आप लोगों को किसान बंधु आप लोगों को बता देता हूँ जो बायोटेक किसान हब जो एक प्रोजेक्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट को हमारा यूनिवर्सिटी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अवार्ड किए हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है गोट फार्मिंग। तो गोट फार्मिंग के लिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट के थ्रू से 3 कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र अरारिया, औरंगाबाद एवं बांका, ये तीनों कृषि विज्ञान के थ्रू से हम लोग किसान बंधु के पास पहुँच रहे हैं। हम लोग का इसमें एक मकसद है जो कैसे साइंटिफिक अथवा वैज्ञानिक आधार पर गोट फार्मिंग को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। गोट फार्मिंग को एक तरह एटीएम की तरह बोला जाता है। क्यों ना, ये किसान के पास ऐसा एक एक्टिविटीज होता है जब उनका जरूरत पड़ता है कुछ ना कुछ उसका फिनेंशियल जो सपोर्ट उनको हो ही जाता है। तो ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। इस किसान हब का बायोटेक किसान हब का मुख्य आधार पर हमारा है डॉक्टर आर के सोहानी सर है जो है हमारा यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी है। हम लोग का सपोर्ट मिलता है हमारा यूनिवर्सिटी का जो ऑनरेबल वाइस चांसलर है डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर का भी सपोर्ट हम लोग को मिलता है। तो सबको हम धन्यवाद देते हैं और उस साथ साथ हमारा इस प्रोजेक्ट के आधार पर जितने केवीके का साइंटिस्ट जैसे आज डॉक्टर धर्मेंद्र सर है उन्होंने आप लोगों के साथ ये गोट फार्मिंग के बारे में डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब फिर आप लोगों सभी को हमारा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से और उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट के आधार पर मैं डॉक्टर चंदन कुमार पांडा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बायोटेक किसान हब प्रोजेक्ट के आधार पर आप सभी को वेलकम करता हूं। आप लोग सुनिए धर्मेंद्र जी से का लेक्चर, उसके बाद उन्होंने आप लोगों का जितना क्वेश्चन वगैरह आएगा चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, नहीं तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी लिखिए, उन्होंने आप लोगों का आंसर देते रहेंगे। धन्यवाद जी धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। बांका से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं धर्मेंद्र जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी। तो ओवर टू यू धर्मेंद्र जी, आपके हवाले है ये ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग का संचालन करें और साथ साथ जो हमारे किसान भाई जुड़ते जाएं उनके सवालों का जवाब आपके एक जो छोटा इंट्रोडक्शन के बाद हम लेना शुरू करेंगे। जी धन्यवाद ईश्वर जी एंड पांडव जी जो आज हम लोग को इस प्रोग्राम में मतलब ये बकरी पालन पर विषय पर हम लोग को जो ट्रेनिंग देने का अवसर प्रदान किया गया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और किसान भाई जैसा कि आप सभी लोग बायोटेक हब प्रोजेक्ट से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जैसा पांडा जी जो किया ये है इस प्रोजेक्ट के जिन्होंने बताया कि बकरी पालन एक मुख्य मतलब इसमें कंपोनेंट हम लोग की है, यानी कि इसको करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मुख्य रूप से हम लोग इसके आहार के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे इसके आहार दिया जाए ताकि अच्छी मतलब अच्छी वृद्धि बकरियों की हो और इसके साथ साथ उसकी आमदनी भी अच्छी हो, इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के दौरान हम लोग यही देखेंगे कौन कौन से बिंदु पे हम लोग गलती करते हैं, खिलाने में कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। बकरी तो अपने खा लेती है, जो भी देंगे सब कुछ खा लेगी, लेकिन हमको उसको कॉमर्शियल कैसे लेना है ताकि फायदा ज्यादा हो, लागत कम लगे फायदा ज्यादा हो, इस पर ज्यादा हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ अलग ढंग की बातें भी करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ दूसरा जो इनकम का सोर्स सबसे बढ़िया होता है कि आपको कैसे इसको बेचने की भी रणनीति एक होती है। कुछ लोग एक ही माल को ज्यादा कीमत में बेच लेते हैं, कुछ लोग के बढ़िया माल कीमत मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पाती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए बकरी पालक को ताकि हमको अच्छी कीमत उसकी मिल सके। तो अब हम ये अपना प्रोग्राम चालू करना चाहेंगे, है ना, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है। आज का टॉपिक यही है
कि बकरियों में सस्ता आहार प्रबंधन कैसे करें और इसकी मार्केटिंग की रणनीति क्या अपनाई जाए। किसान भाई, सबसे पहले हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बकरी एक हम लोग ये बताना चाहेंगे कि बकरियां जो होती है एक विभिन्न तरह की आदत होती है। हम लोग गाय भैंस से ज्यादा परिचित रहते हैं कि गाय के खाने में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन आप बकरियों में एक ध्यान दीजिएगा, इसकी खाने की हैबिट कुछ अलग होती है। ये आपको कभी भी इसी सड़ा हुआ चीज नहीं खाएगा, ज्यादा गीला चीज नहीं खाएगा, मतलब कहने का मतलब है हमेशा फ्रेश खाना ज्यादा पसंद करती है ना। इस बात को आपको हमेशा इसको खिलाने के पहले ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी दें इसको फ्रेश खाना दें। और इसका ऊपर का ओट होता है, ज्यादा मोबाइल होने के कारण वो जमीन से सटी हुई घास भी चर सकती है, मतलब कहीं चरने के लिए भेजे हैं तो बड़ी घास ही रहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा रहे। तीसरी बात, आप ध्यान से जानते होंगे, सभी लोग बकरी के बारे में जानते हैं, आजकल थोड़ा सा अंतर हो गया है कि बकरी पीछे वाले पैर पे ही खड़ा रह के ऊपर ऊंची ऊंची मतलब पत्तियों को तोड़ के खा लेती है, क्योंकि इसका आंख का स्ट्रक्चर भी ऐसा है और इसका बॉडी का ऐसा बनाया गया है कि ऊपर चढ़ के भी खा लेती है। ये इसका नेचुरल बिहेवियर है, मतलब कि हमको भी नॉर्मली यदि कमर्शियल करते हैं कहीं पर घर में रख के उसको खाना खिला रहे हैं तो आपको ऐसा उसको हैबिट देना पड़ेगा ताकि उसको लगे कि हम नेचुरल बिहेवियर में रह रहे हैं, क्योंकि आप तो कमर्शियल जो व्यवसायिक रूप में करने जा रहे हैं लेकिन उसको अपने हैबिट से चेंज मत कीजिए। उसकी जो आदत है उस आदत के अनुसार ही उसका पालन कीजिए, उसको चेंज कीजिए लेकिन उसकी आदत के अनुसार ही, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। तीसरी चौथी बात यह है कि बकरी को सफाई बहुत पसंद है, खाना हो जहां पर खाना दे रहे हैं वहां पर भी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा रहेगा तभी बकरी खा पाएगी। बहुत ज्यादा गंध आ रही हो कहीं पर तो बकरी खाना पसंद नहीं करती है, तो उसमें क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे उसकी वजन कम होने लगती है, बीमार होने लगती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि बकरियां तो हमें लॉस में दे रही है। उसके बाद बात आती है, जैसा पहले बता चुके हैं कि बकरियों को पैर ऊपर करने करके खाने की आदत है ना, जैसे हम लोग को यदि खाना को दे तो बराबर सेम साइज में प्लेट रहती है तो खाने का एक अच्छा आनंद आता है, वही हमको चेयर में बैठाते खाना नीचे में देते तो खाने का मजा ही नहीं आएगा, है ना। उसी प्रकार बकरियों को ऊपर में खाने की आदत है तो यदि चरने जा रही है तो ठीक है पेड़ पत्ते ऊपर करके खाती है, लेकिन यदि घर में दे रहे हैं कुट्टी काट के सब कुछ भी आप खिलाना चाह रहे हैं तो ऐसा कोशिश कीजिए कि उसके लेवल से ऊपर में दीजिए ताकि कल आगे वाला पैर ऊपर करके खाए, उसको बहुत आनंद आएगा, उसके बाद खाने का उसका मजा ही अलग रहेगा, यानी उसको ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। और एक बात पर ध्यान रखने की जरूरत है, आजकल सबसे बड़ी यही समस्या रहती है, गाय भैंस हो या बकरी हो सभी लोग जितना लाए पूरे बंडल का हरा चारा वहीं पर डाल देते हैं। इसके कारण होता क्या है, बकरियां जितना मन हो उतना खाई उसके बाद छोड़ देती है, पैर से कुछ बर्बाद भी करेगी, हो सकता है उस पर टॉयलेट मतलब पेशाब भी कर दे, पैखाना भी कर दे वहां पर। तो पहले ही बता चुके हैं बकरियों को साफ सुथरा पसंद है, तो खाना कभी ऐसा गंदा हो गया उसके बाद नहीं खाएगा, तो कहने का मतलब हुआ कि आपका जो चारा है वो आहार है वो बर्बाद जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना देनी है उसको, ऐसा ध्यान रखना कि चारा बर्बाद नहीं हो। यदि जैसे अभी हम लोग करते हैं कि 10 किलो चारा लाते हैं उसमें 2 से 2.5 किलो तो बर्बाद ही जाती है, जब वो बर्बाद जाएगी तो आप कभी भी बिजनेस में फायदे में नहीं रहेंगे। अभी तो आप 1-2 बकरी पालते हैं तो कहीं से भी चारा ले आते हैं, उसमें खर्च नहीं होते तो आपको समझ में नहीं आती। जब चारा उत्पादन करने लगे व्यवसायिक रूप बकरी पालन करने के लिए तब आपको समझ में आने लगे कि 1 किलो चारा भी बर्बाद कर रहे हैं, तो 1 बकरी पर यदि 2 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो समझ जाइए कि कितने लॉस में आप जाएंगे। अब है कि बकरी को खिलाने का कितना, बकरी कितना खाना खाएगी। बकरी एक ऐसी चीज है ना, उसको जितना दीजिएगा ना खाते रहेगी। औसत जाना जाता है कि जितना शरीर का वजन है उससे 5-8% तक सूखा भाग खा सकती है ना, और बकरियों को मतलब इतना तो सूखा भाग खा सकती है, और कुछ बकरियों को आदत होती है कि बस ही नहीं करती, वो तो बहुत बेकार की आदत होती है, उतना हमको नहीं करना है।
क्योंकि यदि व्यवसायिक रूप में यदि मतलब बकरी पालन करना चाहते हैं आप, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम संतुलित मात्रा में जितना जरूरत है उतना ही खिलाए, ज्यादा नहीं खिलाना है, ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। तो बकरियों को ये भी ध्यान रखना है कि यदि व्यवसायिक रूप में भी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि 6 से 8 घंटा चरने की व्यवस्था हो। चरने की व्यवस्था को नहीं कर सकते यदि व्यवसायिक रूप में कर रहे हैं, मतलब कि 50-100 बकरी यदि आपके पास हो जाती है तो चरने की व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन उसको घूमने की व्यवस्था जरूर कीजिएगा कि 6 से 8 घंटा कम से कम मस्ती में इधर उधर दौड़े घूमे, तब जाकर आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी। यदि ऐसा चरने की व्यवस्था हो जाए तब दोनों एक साथ हो जाएगी और मजेदार बात हो जाएगी इसके लिए, है ना। तो समझ गए टोटल खाना कितना खाता है, 5 से 8% शरीर के वजन का, मतलब कि सूखा भाग जो खाएगा 10 किलो की मात्र बकरी आपके पास है तो 500 से 800 ग्राम तक सूखा पानी वाला नहीं। ऐसा मत समझे कि हरा चारा 1 किलो दे दिए तो बहुत ज्यादा दे दिया, आप 1 किलो हरा चारा दे रहे हैं तो ये मान के चलिए आप मात्र 200 ग्राम उसको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि बाकी तो 800 ग्राम उसमें पानी ही है। तो 5 से 8% जो हम बता रहे हैं आपको, मतलब कि 10 किलो वजन पर 500 से 800 ग्राम जो बता रहे हैं वो सूखा भाग की बात कर रहे हैं, पानी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी पानी उसे हटा के बात, यानी कि 1 किलो हरा चारा खिला रहे हैं तो मात्र आप 200 ग्राम ही उसको सूखा भात खिला पा रहे हैं, इतना टोटल की बात होगी। अब इसमें सबसे महत्व देखिए, कोई भी चीज खाना देते हैं तो 3 तत्व मुख्य रूप से रहते हैं। पहला क्या रहता है, दाना, जिसको आप मकई गेहूं ये सब समझते हैं, दाना हो गया। दूसरा हरा चारा, तीसरा सूखा चारा। 3 तत्व होते हैं जिसको खिलाई जाती है, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दाना की बात करेंगे कि टोटल तो 5 से 8% खाएगी तो उसमें दाना कितना खिला। यदि दाना, क्योंकि दाना पर ही सबसे ज्यादा जोर देना है, दाना सबसे महंगी चीज होती है, उसको जरूरत से ज्यादा भी नहीं खिलाना है और जरूरत से कम भी नहीं खिलानी है। तो दाना की मात्रा आप स्टैंडर्ड मान लीजिए कि 1.5%, मतलब 1.5% शरीर के वजन का, मतलब कि 10 किलो की बकरी है आपके पास या बकरा या पाठा खस्सी जो भी है, उसको वृद्धि के लिए आपको दाना कितना देना पड़ेगा, 150 से 200 ग्राम तक ही देना है, इससे ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। लोगों की आदत क्या होगा, बाका जैसी जगह पर देखते हैं जो भी शहर के नजदीक में बकरी पालन कर रहे हैं, उनकी क्या होगी, मक्के की बोरी रहेगी, उनसे पूछेंगे कि इसको कितना दाना खिलाते हैं, बोलेंगे सर बोरी तो खुली रहती है, जितना मन हुआ उतना खा लेता है। तो वैसे खिलाकर आप व्यवसायिक बकरी पालन नहीं कर सकते, आप लॉस में जाइएगा, है ना। तो आप फिक्स कर लीजिए कि दाना की मात्रा कितना ही होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दाना मतलब मकई गेहूं केवल नहीं होती है। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में कि दाना कैसे बनाई जाती है, मतलब जैसे हम लोग दाल चावल नमक ये सब मिला के खाते हैं ना, साग सब्जी सब कुछ रहता अलग अलग रहता, लेकिन एक बार में सब कुछ खाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि सुबह में चावल खाए दोपहर में दाल खा रहे हैं शाम में सब्जी खा रहे हैं, नहीं करते ना ऐसा, करते क्या, तीनों चीज एक बार में खाते। उसी प्रकार दाना के रूप में बनाना है, केवल मकई गेहूं जब खली हुआ तब खिला, ऐसा नहीं, सब कुछ को संतुलित मात्रा में मिलाकर हम लोग खिलाएंगे, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो दाना की मात्रा समझ गए कि 150 से 200 ग्राम 10 किलो वजन पे, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा खिलाना पड़ेगा आपको। और यदि 20 किलो वजन वाली बकरी है तो 1 किलो हरा चारा या पेड़ का पत्ता एवं 250 से 300 ग्राम घर में बनाया हुआ दाना दे देते हैं, तब आपको उसको पूरी तरह से जितनी जरूरत है पौष्टिक पदार्थ वो मिल जाएगी। इस पॉइंट पे हम यही बताना चाहेंगे आपको कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि सस्ता कैसे, मतलब सस्ता आहार कैसे बकरी पालक उपलब्ध करे। यहाँ पर आप देख लिए हैं कि जब हम 20 किलो वजन का भी बकरा, मतलब कोई बकरी या बकरा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, 250 से 300 ग्राम दाना में ही काम चला रहे हैं, जबकि उधर 150 से 200 ग्राम बोल रहे थे। इसका मतलब है कि जो हरा चारा दे रहे हैं ये बहुत काम की चीज हो रही है, मतलब कि हरा चारा यदि साथ में उपलब्ध कराते हैं तो दाना की कीमत कम, मतलब दाना की मात्रा कम कर देंगे, दाना की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक रूप है कि आपकी लागत डेली की खिलाने की खर्च वो कम हो जाएगी। इस पर विशेष चर्चा करें कैसे हरा चारा का प्रबंधन हम लोग करें। अभी इतना जानने की जरूरत है कि हरा चारा कम खर्च के लिए बहुत जरूरी है, यानी हरा चारा घर पे भी रख के बकरी पालन कर रहे हैं आप तो हरा चारा आपको उत्पादन करने पड़ेगी, हरा चारा की व्यवस्था आपको करनी ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप
सस्ता बकरी पालन कर सकते हैं। इसके बाद हरा चारा में भी दो तरह के होते हैं, एक दो बीज वाले होते हैं, एक एक बीज वाले। कहने का मतलब एक अनाज वर्ग के होते हैं जो एक बीज वाले होते हैं, और एक दलहन वर्ग के होते हैं जो दो बीज वाले होते हैं, मतलब जिसके बीज को तोड़ेंगे तो दो भाग में, दो पार्ट में बढ़ जाती है, वो दो बीज वाले होते हैं। दोनों चारा को मिला के खिलाना है। हम लोग हरा चारा मतलब केवल सूडान और मकई जानते हैं बस, है ना, लेकिन नहीं, ये अनाज वर्ग का है, एक बीज वाली है, इसमें पौष्टिकता कम होती है, बकरी को दो बीज वाली ज्यादा पसंद पड़ती है। लेकिन आपको यदि खिलाना तो एक एक अनुपात में, मतलब एक किलो यदि हरा चारा दे रहे हैं तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, उसमें 500 ग्राम अनाज वर्ग वाले हरे चारे होने चाहिए और 500 ग्राम दलहन वर्ग के हरे चारे होंगे। इसके लिए डिटेल हम आगे बताएंगे, फोटोग्राफ दिखाएंगे कैसे कैसे हरे चारे होते हैं। इतना खिलाने का समझ गए, उसके बाद हरा चारा तक आ गए और अब दाना तक आ गए, और सूखा जो खिलाएंगे वो तो आप छोड़ दें। सूखा का मतलब ये होता है छोड़ दीजिए, अपने इच्छा भरो खाते रहे, ताकि पौष्टिकता तो मिल गई इससे। हरा चारा और आपकी दाना खिलाने से बकरी को जितनी पौष्टिक तत्व की जरूरत थी वो मिल जाएगी आपको। अब केवल उसका पेट का मतलब संतुष्टि होनी चाहिए, संतुष्टि एक बड़ी चीज होती है, यानी सूखा दे देंगे भर पेट खाने के लिए की पौष्टिकता आपको मिल गई। अब तीसरी बात आती है, तो खिलाने में सबसे बड़ा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लॉस में जाते हैं। होता क्या है कि एक नियम है कि बकरी में खास करके, आप बकरी और भेड़ में और दूसरे किसी पशु में ऐसी स्थिति नहीं आती है कि जब बकरी लगे कि आपको गर्मी आने वाली है, गाभिन करवाएंगे इसको, उसके 3 हफ्ता पहले से उसको दाना देने की जरूरत पड़ती है। इसके कारण क्या होता है, जो अंडे निकलते हैं ना गर्भाशय में, अंडे निकलते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि बच्चे की संख्या ज्यादा होती है। 4 अंडे निकलेंगे, 4 निषेचन होगा तो 4 बच्चे उसके जन्म लेंगे। यदि बढ़िया से उस समय यदि उसको पौष्टिकता नहीं मिलती है जिसमें वो गाभिन होने वाली है ना, तो उसमें पौष्टिकता नहीं मिलेगी, अंडे की संख्या स्वाभाविक रूप से उसके अंडाशय से कम निकलेंगे, तो आपको कम बच्चे मिलेंगे, मतलब 1-2 बच्चे। देखिएगा आप गाँव में भी देखते होंगे जो केवल चरने पर निर्भर करती है, बढ़िया से घास भी नहीं मिल रही है, उनके यहाँ 1-2 बच्चे ही बकरियां देती है। लेकिन वही कोई किसान है जो अच्छी तरह से खाना दे रहे हैं, अच्छी तरह से व्यवस्थित रख रहे हैं, उसके यहाँ 3-4 बकरियां, मतलब 1 बकरियां 3-4 बच्चे भी एक बार में देती है, उसी को फ्लसिंग बोलते हैं। मतलब कि जब बच्चे बकरी गाभिन होने का समय आ गया, उसे भी किसान को पता रहता है, जब गाभिन होने का समय आ गया है उसके 3 हफ्ता पहले से उसको दाना कम से कम 100-150 ग्राम दाना देना शुरू कर दे, और ये उसके बाद तक भी दे, जब बच्चा जन्म दे दे उसके बाद भी उसको दे, ताकि उसमें दूध की मात्रा में बढ़ते रहे और उसका शरीर नहीं टूटे, क्योंकि उसमें दूध देने लगती है अपने बच्चे के लिए तो शरीर से पौष्टिकता निकलने लगती है, उसको दाना उसमें भी प्रोवाइड करते रहे जिसके कारण उसका शरीर बना रहेगा, तो जल्दी बकरियां गाभिन भी होगी और ज्यादा दूध की मात्रा होगी तो मेमना भी उसका बढ़ते रहेगा, ज्यादा अच्छी वृद्धि होगी और मेमना भी स्ट्रॉन्ग जन्म लेगा। अब एक नियम और आपको करना है बकरी पालक के लिए, है ना, कि इसमें होता है कि दाना बनाने में तो बताएंगे हम, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि किसी भी जानवर के लिए, गाय भैंस हो या बकरी हो, उसके लिए सेंधा नमक बहुत अच्छी चीज होती है। नमक तो सभी बकरियों को खिलाना ही चाहिए, लेकिन सेंधा नमक सभी को खिलाना चाहिए। इसको खिलाने के लिए आपको एक नियम करना है, अभी मार्केट में जहां भी जाएंगे तो सेंधा नमक क्या मिलेगा आपको, पाउडर के रूप में मिलती है, वो वाला उपयोग में नहीं लाना है, बल्कि आपको सेंधा नमक का ढेला लेना, ढेला के रूप में मिलता है, 2 किलो आप 1.5 किलो 1 किलो ऐसे मिलती है ना, उस ढेले को क्या करना है, फोटोग्राफ में देख रहे होंगे आप कि एक रस्सी से बांधा हुआ, बस फार्म में बीच में लटका दीजिए। देखिए सभी बकरियां हैं, लेकिन मात्र अभी 1 बकरियां चाट रही, 1 बकरियां चाटने के लिए आने वाली, बाकी सब आराम से, मतलब इसमें इतना गुण है कि आप ये देखा गया फील्ड में, उसको जब जरूरत रहेगी ना तभी चाटेगी, नहीं तो नहीं चाटेगी, लटका हुआ मिलेगा वहां रख भी दिया तो भी नहीं चाटेगी, और जब जरूरत रहेगा तो चाटेगी। इसके लिए आपको टेंशन नहीं रहेगा, एक बार लटका दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें खूबी क्या है, नॉर्मल नमक जो आप उपयोग में लाते हैं उसमें केवल सोडियम और क्लोरीन होती है, लेकिन यदि उस नमक की जगह आप सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, ये सेंधा नमक पहाड़ से निकलती है, जो पहाड़ पाकिस्तान में चली गई है, पहाड़ से निकलने के कारण इसमें मिनरल बहुत अच्छी होती है,
और मिनरल की मात्रा अच्छी होगी, खासकर फास्फोरस इन सब की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण इससे मिनरल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और इसके साथ साथ नमक भी उपलब्ध रहेगी। तो इसके खासकर पेशाब पीने की शिकायत, जमीन चाटने की, मिट्टी खाने की, ये सब शिकायत जो होती है वो नहीं आएगी और बकरी के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। इसका उपयोग आप लोग कीजिएगा, यदि समय रहे तो हम वीडियो भी शेयर करेंगे कि चाटते बहुत अच्छी तरह चाटते, फोटो में से क्लियर दिख रही है, उससे आप लोग समझ सकते हैं। और ये सेंधा नमक होता है वो भी नमक है, थोड़ा कृमिनाशक का भी काम करता है। यदि आप नमक का उपयोग उसके आहार में रेगुलर कर रहे हैं तब आप कृमि की संख्या मतलब कृमि की वृद्धि भी पेट में कम होगी, इसके इससे कि आपकी बकरियां तंदुरुस्त रहेगी। तो सेंधा नमक का उपयोग आप लोग जरूर कीजिएगा, गाय भैंस रहेगा उसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक तकनीक और अपनाइएगा, क्योंकि होता क्या है, खाना हम लोग सभी लोग खिलाते हैं लेकिन किसी भी जानवर में कैल्शियम और फास्फोरस दो चीज की जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और ये हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाते, इसलिए क्योंकि मिनरल पाउडर के रूप में दुकानों में मिलके उसको खरीद के हम लोग नहीं खिलाते। यदि सेंधा नमक खिला रहे हैं तो फास्फोरस की मात्रा इसे मिल जाएगी और छोटे छोटे जो तत्व होते हैं मिनरल के वो भी मिल जाएंगे। और एक चीज होता है कैल्शियम, कैल्शियम की जरूरत बहुत होती है, तो कैल्शियम की जरूरत के लिए पूरी करने के लिए आपको ये करना है ना कि आप जो चूना होता है जिससे घर की पुताई करते हैं, घर की पुताई करते उजला वाला चूना होता है उसको ले लेंगे आप, है ना। उसको लेकर क्या करना है, एक किलो चूना लीजिएगा, उसमें 5 लीटर पानी डाल देंगे, 5 लीटर पानी डाल देंगे एक किलो चूना में, तो क्या होगा, चूना पहले गर्म होगा पूरा, उसके बाद ढेला उसका रहेगा पूरा घुल जाएगा। उसके बाद क्या करना, शाम के समय में उसको एक डंडे से बढ़िया से घुमा देना, मिला देना, मिलाकर छोड़ दीजिए। सुबह जब उठकर आप देखेंगे तो साफ पानी ऊपर रहेगा और जो उसका उजला उजला जो पाउडर रहता है वो नीचे बैठ जाएगा, जो साफ पानी है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो 5 लीटर पानी डाले हैं तो 3 लीटर पानी लगभग आपको बाहर निकल जाएगी। उस 3 लीटर पानी को कम से एक बकरी पर डेली कम से कम 20 से 25 ml आप पिला सकते हैं, मतलब पानी पी रहा हो या दाना कहीं भी खा रहा हो, जैसे भी हो उसको पेट में जाना चाहिए। औसत 20 से 25 ml एक बकरी का डोज डेली का बांध दीजिए, आप देखिएगा कैल्शियम की जरूरत आपको बाहर से देने की नहीं पड़ेगी। आप वो जो चूना घोले थे है ना, तो साफ पानी निकाल लिए, बाकी सिक्की नीचे बैठ गया है, उसमें फिर से आप जितना पानी निकाले है ना साफ पानी फिर से डाल दीजिए और फिर से वही कीजिए, लकड़ी से घोल दीजिए उसको बढ़िया से, सुबह में कल होकर फिर साफ पानी निकाल के उसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसा 2 से 3 बार होगा, उसके बाद देखेंगे कि जो चूना पानी चूना जो रखे थे अंदर सिक्की बच गया और पूरा भुरभुरा हो गया। जब पूरा भुरभुरा हो जाएगा समझ जाए इसे जितना कैल्शियम था सब हम निकाल लिए, अब उसको कहीं खेत में या कहीं आप फेंक सकते हो, समझ गए। तो चूना पानी का उपयोग करके आप कैल्शियम की आपूर्ति कर सकते हैं और सेंधा नमक देकर आप इसको फास्फोरस और दूसरे तत्व का मिनरल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोग बहुत फायदे में रहेंगे। अब खिलाने के तरीके की जहां तक बात हो रही है, इसमें क्या है, पहले ही हम बता चुके हैं कि खिलाने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, बंडल लाए वहां पर रख दिए, जितनी बकरियां खाई तो खाई बाकी बर्बाद करती है। ऐसा करने से हम लोग व्यावसायिक बकरी पालन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको कुछ व्यवस्थित खाने का इंतजाम करना पड़ेगा कि जितना कम हो सके चारा बर्बाद हो। जैसे पहला फोटोग्राफ आप देख रहे हैं कितना बढ़िया देसी तरीका से बनाया हुआ, एक प्लास्टिक का ड्रम है उसमें गोल गोल छेद कर दिया गया, उसी में हरा चारा दे दिया गया। अब बकरियां पकड़ पकड़ के एक एक निकालेगी, मस्ती में दिन भर खाएगी घूमेगी, है ना, उसको लगेगा कि नेचुरल तरह पर थोड़ा खींच के खाने का एक अलग मजा होता है ना। तो पहला फोटो में देख रहे होंगे ये चीज हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। दूसरा फोटोग्राफ आप देख रहे हैं वो थोड़ा व्यावसायिक रूप में बनाया हुआ है, ताकि क्या किया गया है, नीचे में एक प्लेटफॉर्म पहले दिया गया है जिसमें कि आप दाना खिला सकते हैं, ऊपर में रोड ऐसे दे दिया गया है, उसमें क्या क्या है कि हरा चारा डाल दिया गया है। अब जिस बकरी को खाना रहेगा आराम से मुड़ी ऊपर करके खाएगी, और जो छोटी बकरी रहेगी वो पैर ऊपर करके भी खा सकती है, इन लोगों की भी इच्छा बड़ी बकरियों की होगी वो भी पैर ऊपर कर सकती है, मतलब नेचुरल बिहेवियर में रह सकती है। जैसा कि तीसरा नंबर का फोटो आप देख रहे होंगे कि नीचे में दाना दिया हुआ है ऊपर हरा चारा दिया हुआ, तो ऐसा व्यवस्था कर लेंगे तो आसानी से बकरियां मतलब खाएगी, उसको नेचुरल बिहेवियर में लगेगा कि हम लोग पेड़ से ऊपर तोड़ के ही खा रहे हैं,
तो ज्यादा संतुष्टि होगी। ये लास्ट फोटो चौथा फोटो हम देख रहे होंगे कि इसी को बोलते हैं अजोला। अजोला का उत्पादन करके भी आप बकरियों को हरा चारा दे सकते हैं। इसको उत्पादन करने का बहुत सरल तरीका है, कहीं भी एक बित्ता भी पानी रह जाती है या रखने की व्यवस्था कर लें, नीचे प्लास्टिक दे लें, उसके उसमें पानी डाल दें, थोड़ी सी खेत का मिट्टी खाली उपजाऊ मिट्टी डाल दें और उसके बाद उसमें अजोला का कल्चर ला के डाल देंगे। देखिए धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। उसको आप पशु को निकाल के एक बार पानी से धो दीजिए, साफ पानी से, और खिला सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। समझ गए, ये हुआ खिलाने के कुछ तरीके के बारे में बताए कैसे क्या प्रबंधन करना है। अब है कि इसका देख लीजिए, मतलब एक सारांश के रूप में बनाए हैं कि क्या क्या करना रहता है। सबसे पहली बात है कि पहला से एक से तीन दिन से लेकर पांच दिन तक भी कर सकते हैं, जो शुरुआत की दूध होती है वो मेमने को इच्छा भर पिलानी है दिन में तीन बार, है ना, दिन में तीन बार करके कंप्लीट पिलानी रहती है। बाकी अभी तो हम लोग देखते हैं तो एक दो बकरियां रहती है तो दिन भर जब मनुआ पी रही है, उसी कारण कभी समस्या भी होती है। कभी कभी एक दो बच्चे रहती है और ज्यादा दूध हो रही है तो हो सकता है कि बच्चे को पैखाना भी होने लगता है ना। लेकिन उसको ए वाला पिलाना, शुरुआत की दूध पिलाना बहुत जरूरी है। इसको खीरू खिरसा भी बोलते हैं, है ना, और अंग्रेजी में इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसमें की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है, बच्चों पौष्टिकता भी ज्यादा होती है, जिससे बच्चों में वृद्धि अधिक होती है। दूसरा, तीन दिन से तीन सप्ताह का लिखे हैं, इसमें दूध पानी और नमक है ना, मतलब दूध तो माँ से पी ही रही है लेकिन आपको पानी और नमक की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए आदत डालनी पड़ेगी, जितना जल्दी उसको पानी और नमक पिलाना शुरू कीजिएगा उतनी जल्दी उसके पेट की वृद्धि होगी। पेट की वृद्धि कहने का मतलब है इसमें चार, इसके पेट में चार भाग होते हैं। पहला भाग सबसे ज्यादा अच्छा होता है जो कि भूसा से लेके हरा चारा बहुत अच्छी तरह से पचाती है, लेकिन जब बकरी का बच्चा मेमना जन्म लेता है उस समय पहला वाला पेट ही सबसे छोटा होता है, बाकी बड़ा होता है, मतलब उसका पेट हम लोग के पेट के जैसा होता है। तो उस समय जब तक पहला वाला भाग उसका अच्छी तरह से वृद्धि नहीं करेगा तब तक वो भूसा और हरा चारा खाना शुरुआत नहीं करेगा। जब भूसा हरा चारा दाना ऐसे पचाना शुरू कर देगा तब हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो बकरी हम लोग पाल रहे हैं उससे दूध इतनी मात्रा में नहीं मिलती है कि एक महीना के बाद भी अपने बच्चे का पेट भर सके। जिनके यहाँ तीन चार मेमना हो जाता है एक बकरी का, वो तो 15 दिन के बाद ही पेट भरने लायक दूध नहीं मिल पाती है, जिसके कारण अपने मेमने में वृद्धि कम होती है। तो आपको करना क्या है, एक हफ्ता से ही आपको पानी और नमक का थोड़ा थोड़ा उसको पिलाना शुरू कर दीजिए। ये पिलाना शुरू कर दीजिएगा तब उसका पेट जल्दी वृद्धि होगा, जिसके कारण क्या होगा तो दाना ये सब खाना शुरू कर देगा। तीसरा हफ्ता से थोड़ा थोड़ा दाना शुरू कर देगा खाने के लिए। उसके पहले आप हरा चारा, उसमें बरसिम तो सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर नहीं जानते तो आगे हम फोटो में दिखाएंगे इसका, है ना। तो बरसिम का है मतलब बरसिम को सुखा कर रखें और दाना ये सब को 50 से 100 ग्राम मतलब उसको खाने के लिए दे, ताकि इसका वृद्धि उसी समय से उसकी पौष्टिकता मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि दूध से उसको पूरी तरह नहीं मिल रही है। क्योंकि आप भी गांव में देखते होंगे कभी कि जिस बकरी का एक ही बच्चा रहता है उसका वजन और जिस बकरी का तीन चार बच्चा है उसका वजन देखिए, दोनों बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर आएगी। फर्क होने का कारण यही है, एक बच्चा जो है उसको ज्यादा मात्रा में दूध मिल रही है, जिसके चार बच्चे हैं उसको कम दूध मिल रही है, यानी पौष्टिकता कम मिल रही है, इसकी ग्रोथ वृद्धि दब जाती है, एक बच्चे वाले की वृद्धि ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करें कि माँ से उसकी दूध नहीं मिल रही है तो उसको हम लोग दाना या हरा चारा से उपलब्ध कराएं। उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उसका पेट जल्दी से जल्दी हम लोग वृद्धि कराएं, ताकि दाना और हरा चारा खाने लायक जितना जल्दी हो जाए। इसके साथ साथ उसको मिनरल भी 5 ग्राम के लगभग देना शुरू कर दें, या सेंधा नमक वाली जो बात कहें वो रख दें, ताकि मेमना भी चाटते रहे, उसके कारण उसको कैल्शियम फास्फोरस सब कुछ मिलेगी, उसकी हड्डी भी मजबूत होगी और उसमें वृद्धि अच्छी दिखेगी। इसके बाद जब बड़ी साइज की हो जाती है, 4 महीने के लगभग हो जाती है, तब आप दाना और वो भी हरा चारा मिनरल नमक जो इच्छावर होती है वो खिला सकते हैं। और दाना की मात्रा तो बता दिए कि 150 से 200 ग्राम के लगभग, और बाकी उसके शरीर के वजन के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कितना दाना दें। दाना में एक चीज लिखा हुआ 15 से 16% प्रोटीन कम से कम
होनी चाहिए वो आगे बताएंगे हम कैसे क्या क्या चीज मिलाकर बनाए कितना प्रोटीन हमको उस दाने में मिल जाएगी। उसके बाद आती है गाभिन बकरी, है ना। अब गाभिन बकरी की बात आती है तो पहले ही बता चुके हैं गाभिन बकरी को यदि अच्छी तरह से आप खाना खिलाते हैं तब आपका मेमना मजबूत स्ट्रॉन्ग ज्यादा वजन वाला हो सकता है। नॉर्मल में 1 किलो 1.25 किलो वजन हो रही है, यदि बढ़िया से कीजिएगा तो 1.5 से 2 किलो 2 किलो तक वजन यदि होती है मेमने की, जो पहले से स्वस्थ रहेगा उसकी वृद्धि बहुत अच्छी रहेगी और थोड़ा सा जो मेमने की मोबिलिटी होती है मरने की दर होती है वो भी कम होगी, मतलब तंदुरुस्त बच्चा भी जन्म लेगा और बच्चा देने के बाद जो बकरी है वो भी ज्यादा दूध देगी जिसके कारण बकरी मेमने को जन्म के बाद भी अच्छी पौष्टिकता मिलेगी। इसके लिए हमको करना है क्या कि गाभिन बकरी को भी आपको दाना देना ही देना है, इसलिए ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा मेमना पल रहा है उसको पौष्टिकता माँ से ही मिलने वाली है, तो माँ को जो खाना मिलेगा उसके अनुसार उसको पौष्टिकता मिलेगी, उसके अनुसार वृद्धि होगी, यानी कि दाना और मिनरल दोनों उसको मिलना है ना। उसके बाद आते हैं दूध देने वाली बकरी। दूध देने वाली बकरी तो हम लोग नहीं कह पाते हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि हम लोग दूध अलग से नहीं निकाल रहे हैं लेकिन दूध तो वो दे रही है ना जो अपने बच्चे उसके पी रहे हैं, तो इसके लिए भी दाना कितनी मात्रा 300 ग्राम 1 किलो दूध के। यदि जमुनापारी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको कुछ बकरी का नस्ल ऐसा भी उपलब्ध कराई जा सकती है जो दूध दे रही हो, जब दूध देगी तो 1 किलो दूध यदि ले रहे हैं तो उस पर 300 ग्राम आपको कम से कम दाना देनी पड़ेगी, उसके साथ मिनरल भी देना पड़ेगा, हरा चारा भी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग को सभी कुछ संतुलित रूप में खिलाना, सभी कुछ खिलाना, दाना भी खिलाना, हरा चारा भी खिलाना, सूखा चारा भी खिलाना, मिनरल नमक सब कुछ देना है। बकरा है तो यदि ब्रीडिंग सीजन में केवल ब्रीडिंग ले रहे हैं तब उसमें दाना उपलब्ध कराइए, नॉर्मल जब उससे काम नहीं ले रहे हैं तो दाना देने की जरूरत नहीं है, हरा चारा और सूखा चारा पे रख सकते हो। अब दाना जो हम बता रहे थे कि 15% प्रोटीन वाले 20% प्रोटीन वाले आपको दाना बनानी है, तो इस मात्रा में आप यदि मिलाते हैं कोई भी चीज तो आपको दाना एक संतुलित आहार बन जाएगी, जैसे कि उसमें सब कुछ तत्व आप इसमें से जो लिखा हुआ है केवल इस पे नहीं जाना है, बल्कि दाना बनाने का एक ही नियम होती है कि आपके पास जो भी चीज उपलब्ध है उसकी गणना की जाती है कि उसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसकी प्रोटीन 20% हो जाए और सस्ती भी रहे। ऐसा नहीं कोई चीज महंगा है तो उसको मिलाना जरूरी ही है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, इसलिए हम लगभग में सब कुछ लिखे हैं। जैसे अनाज, अब अनाज है तो अनाज में किन्हीं के पास मकई उपलब्ध हो सकती है, किन्हीं के पास गेहूं भी उपलब्ध हो सकती है जो कि आदमी नहीं खा रहा हो, बेकार पड़ा हुआ हो, है ना, केवल सड़ा हुआ नहीं हो, टुकड़ा हो, चाहे कोई भी गंदा टाइप पर है कि जिसको आदमी नहीं खा रहा, उस अनाज को उपयोग में ला सकते हैं। तो अनाज की मात्रा देख लीजिए, यदि 1 किलो दाना बनानी है तो 220 ग्राम आप अनाज मिलाएंगे, उसमें तेल की खल्ली मतलब सरसों तिल और तीसी की खल्ली मिलाई जाती है, हालांकि ये सबसे बेहतरीन तो होती है आपकी सोयाबीन की खली होती है, इसके साथ साथ ग्राउंड नट जिसको चिनिया बादाम बोलते हैं उसका दाना होता है उसकी खली होती है, ये सब ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अपने पास तो उपलब्ध सरसों तिल और तीसी खली है, इसका उपयोग में ला सकते हैं। दाल की चुन्नी जो होती है छिलका होता है वो भी 220 ग्राम मिलाए। उसके बाद राइस ब्रान, सब लोग जानते हो गेहूं का छोकर आजकल तो बहुत पॉपुलर है, चावल का टुकड़ा ये सब मिला सकते हैं, छोआ गुड़ ये सब भी 5% मिला दीजिए, मिनरल और नमक मिला के इस अनुपात में मिला के आप 20% प्रोटीन वाला आप आहार बना सकते हैं, 15% वाली बनानी है तो इस मात्रा में मिला सकते हैं। इस तरह मिला इसको दाना बोलते हैं। हम लोग क्या समझते हैं मकई बकरी को खिला दिए, हाँ 4 किलो दाना खिला रहे हैं सर, गाय नहीं बोलते, बकरी में सर 200-250 ग्राम तक मकई खा जाते हैं, कोई फायदा नहीं उससे है, उसके मांस की वृद्धि लेना है तो आपको प्रोटीन की मात्रा की ज्यादा जरूरत है, एनर्जी की कम जरूरत होती है, लेकिन हम लोग एनर्जी ज्यादा देते हैं प्रोटीन कम देते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा फेल्योर हो जाते हैं जिससे कि उसका वजन नहीं ले पाते हैं। आजकल देखिएगा जितने भी सिरोही नस्ल की बकरी, बड़े कान वाली बागर बकरी जिसको बोलते हैं, ले आएंगे लोग मकई खिलाते हैं, मक्का गेहूं खिला रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिलती उसका, शरीर देखिएगा शरीर तो लंबा चौड़ा है लेकिन उस पर मांस नहीं रहते, उसका मुख्य कारण यही है कि उसको प्रोटीन नहीं मिलती है,
हमको सबसे ज्यादा प्रोटीन पे ध्यान देने की जरूरत है। देख रहे होंगे विश्व दाने में भी प्रोटीन वाला तत्व खल्ली सबसे ज्यादा है, चुन्नी है 220, मतलब 550 ग्राम, तो यही हो गया आपका आधा से ज्यादा इसी की मात्रा हो गई। उसके बाद राइस ब्रान चोकर में भी अनाज से ज्यादा प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है ताकि उसमें वृद्धि हम लोग अच्छी तरह से ले सके। हम लोग की स्थिति क्या है, जनरल स्थिति क्या है, यही होती है कि बकरी को चरने के लिए हम लोग भेजते हैं। हम लोग को लगता है बकरियां चर रही है, बकरियां पेट भर के आ गई, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि बकरियां क्या घास खा रही होगी। वही कारण है कि देखिए बकरियों के शरीर पे मांस कितने हैं, यानी उसके आहार पे ध्यान देने की जरूरत है। तो उसी के अनुसार उसके शरीर में चमक भी होती है, दोनों तरफ देख रहे हैं, है ना। कि बकरी में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, कि हम लोग आहार की व्यवस्था जब पूरी तरह से नहीं करते हैं ना, जब मन हुआ तब बढ़िया खाना दिए, जब मन हुआ तो मतलब उपलब्ध नहीं है तो खाना नहीं दिए, उसके कारण क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है 16 किलो वाला बकरा जब खराब समय पकड़ा गया अप्रैल मई वाली, जिसमें घास नहीं मिल रहे हैं बाहर में भी, तो क्या होता है 16 किलो वाला घट के 12 किलो पर आ जाती है। अब उस 12 किलो से 4 किलो वजन कम गई और 3 महीने की आपकी मेहनत बेकार चली गई, अब फिर से खाना खिलाएंगे उसको तब उतना बढ़ेगी, यानी उसमें बेचने का समय आ गया तब आपको उसकी कीमत मिलेगी 12 किलो पर, जबकि आपको 16 किलो गेन कर लिए थे। इसका मतलब है कि बकरी में थोड़ी सावधानी ये रखने की जरूरत है कि हमको सालों भर चारा बराबर मात्रा में जरूरत इतना मिलते रहे, एक महीना में बीच में गैप होगी तो वजन सीधे कम जाएगी तो आपकी मार्केट वैल्यू कम मिलेगी। गाय जैसी नहीं है कि आज शाम में खिला दिए, सुबह दूध निकाल लिए, दूध बढ़ गई, दूध निकाल लिए, बेच लिए, पैसा वसूल हो गया, इसमें तो वजन ही घट जाएगी तो आपको पूरी तरह लॉस हो, समय से लेके पैसे सब कुछ की बर्बादी होगी। तो करना क्या है हम लोग को, हम लोग को हरा चारा की व्यवस्था करना है। इस तरह से कर सकते हैं आप, या तो जंगली एरिया में है तो जंगल के पत्ते लाए, बहुत बेहतर रहती है, मतलब सस्ता मिल जाता है। उसके बाद खिलाना कैसे, ऐसे करके आप लटका के खिला सकते हैं, नहीं तो जो व्यवसायिक रूप में करना चाह रहे हैं तो एक ट्रेडिशन जरूर अपनाइएगा जो फोटो नंबर 8 में दिख रहा आपको, दिख क्या रहा, इसमें क्या किया, हरा चारा उत्पादन कर रहे हैं, है ना। इसमें 7 खाने बना दिए, एक खाने में बकरियां 3 दिन तक चरती है। पीछे देख रहे झोपड़ी जो है वो बकरी का फार्म है, सीधे वहां से खुलती है, इसमें डाल दिए, 3 दिन तक यहाँ बकरियां चलेगी, 3 दिन के बाद इसको बंद कर दी जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट वाली अगली वाली खोल दी जाएगी, है ना। अब बकरियां फार्म से निकलेगी, नेक्स्ट वाली बगल वाले भी चली जाएगी, वहां 3 दिन तक चलेगी। इस तरह करते करते लास्ट होते होते 21वां दिन हो जाएगी। 21वां दिन तक में क्या होगा कि पहला वाला जहाँ चर के गई थी वहां पर बकरियां, मतलब हरा चारा फिर से तैयार हो जाएगी बकरियों को चरने के लायक, यानी कि आपको सर्किल में आपको हरा चारा रेगुलर इसको मिलते रहेगी। ऐसा 2 तरह का बना दिया जाए कि एक तरह तरफ चारा यदि समाप्त हो रही, दूसरी तरफ बुआई कर दे हम लोग, तो आपको सालों भर हरा चारा की समस्या नहीं रहेगी, हरा चारा उपलब्ध रहेगी, तो दाना तो सालों भर आप लोग उपलब्ध कर ही लेंगे, तो कभी भी आपको आपके बकरी को भोजन की समस्या, आहार की समस्या नहीं होगी, और सस्ता बकरी पालन आप कर सकते हैं। और इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका है इसी को बोल रहे थे, देखिए इसमें उसको घूमने का भी मौका मिल जाएगा और वो खाना भी खा लेगी आराम से, आपको लेबर की बचत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 100 बकरी हो गया तब एक आदमी हरा चारा काट कर लाने में ही व्यस्त है ना, तो उस समय एक लेबर का खर्च अलग हो जाती है, समय अलग बर्बाद होती है। इस सिस्टम अपनाने के बाद क्या होती है कि आपको समय की भी बचत हो जाती है, पैसे की भी बचत हो रही है, और बकरियां भी ज्यादा तंदुरुस्त रहती है, जो कि जिससे कि आप यदि बंद करके खिलाना चाह रहे हैं तो बंद करके खिलाने की जरूरत नहीं है। और ये चीज देख रहे होंगे कि लास्ट फोटो 9 नंबर के फोटोग्राफ्स है, इसमें देखिए किसान क्या कर रहे हैं कि घर में ही दाना, ये जो चोकर चुन्नी ये सब जो है पुआल में मिला दे रहे हैं, बकरियां वो भी खा रही है ना। तो ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन आपको हरा चारा की व्यवस्था को करनी पड़ेगी, और केवल चोकर मकई से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको दाना के रूप में खली चुन्नी मिलाकर करना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिन बकरी को खली और चुन्नी खाने की आदत नहीं है उनको धीरे धीरे आदत दिलवाइएगा। ऐसा नहीं कि आज बता दिए, ट्रेनिंग ले लिए तो कल जाकर हम शुरू कर दिए उसको खली देना, स्थिति क्या होगी उसका, उसको पतला पैखाना होने लगेगा, डायरिया हो जाएगी।
स्वाभाविक चीज है, जैसे कि हम लोग में खाना यदि थोड़ा चेंज की जाती है तो पेट खराब हो जाती है। जानवर में इसीलिए बोला जाता है कोई भी चीज यदि खाना चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तब उसको धीरे धीरे करना है, एकाएक कभी चेंज नहीं करना है उसको। अब पशु को हरा चारा में, अब इसमें सालों भर की जब बात करते हैं तो आप लोग बहुवार्षिक हरा चारा पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि क्या होता है कि यदि कोई भी हरा चारा लगाए, आज जुताई किए, सब कुछ के लगाए, 45 दिन के बाद काट के फिर खेत खाली हो गए, तो दोबारा फिर किसान लोग उतना मेहनत करना चाहते नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि आप बहुवार्षिक हरा चारा लगाइए। एक बार हरा चारा लगा दिए तो कम से कम 2-4 साल तक चलते रहे, लगाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़े, केवल खाद पानी देते रहे, है ना। इसके लिए बहुवार्षिक में नेपियर घास आती है, लगभग लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो फोटोग्राफ देख लेते, बहुत अच्छी हाइट की होती है ना। नेपियर घास लगा देंगे एक बार तो 10-15 साल तक भी आप करते रहेंगे उसको, उसकी खेती काट के खिलाते रहेंगे। उसके बाद नीचे वाली जो है ये बहुत अच्छी घास है, सूडान की वेरायटी, अनंत वेरायटी है, जो कि बहुत मुलायम होती है। नेपियर घास तो देखिए बहुत मोटा मोटा तना उसका है, वो कड़ा हो जाए बकरियां थोड़ा कम पसंद करेगी कड़ा होने के बाद, लेकिन नीचे वाला घास जो है, नीचे वाला घास जो है सूडान की अनंत वैरायटी है, ये आपको 30 बार लगभग कटेगी, बहुत मुलायम होती है, बकरियां बहुत स्वादिष्ट से खाएगी। इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं, किसी भी खेत में एक बार लगा दीजिए आप, तो आप 2-3 साल तक आराम से इसको खिलाते रहेंगे, ऐसा व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके बाद जो जैसे बाका जैसी जगह है जहां पर की बंजर भूमि ज्यादा मिलते हैं, वहां पर सू बबूल आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है और बकरियों का बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत स्वादिष्ट हरा चारा बकरियां बहुत पसंद करती है और ये पौष्टिक भी होती है। ये पेड़ के रूप में जाती है, जैसे ये फोटोग्राफ देख रहे हैं पेड़ के रूप में है, छोटा छोटा भी है, इसको आप लगा देंगे, इसका बीज मिलता है या कहीं भी एक पेड़ होगा उसके बहुत सारे बीज होते हैं, वो बीज एक बार बरसात का भी समय है आप लगा दीजिए, एक एरिया में हो जाएगा, उसके बाद इसका भी चारा के रूप में आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी उपजाऊ जमीन में, उपजाऊ जमीन में या उसके अगल बगल आप सू बबूल का बीज नहीं छिड़किएगा, क्योंकि एक बार हो जाएगी तो इसको समाप्त करना बहुत मुश्किल पड़ती है। जो बंजर जमीन है या पोखर जा रही है उधर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार बाका जैसी जगह पे पथरीली जमीन पे भी एक घास होती है, ये जानवर बहुत पसंद करते हैं, तो इसका भी बीज ले जाकर आप लोग लगा सकते हैं, जहाँ पानी बहुत कम भी होती है वहां भी ये हरा चारा उत्पादन आपको दे देगी। इसके बाद नया ट्रेडिशन जो आया सहजन की, सहजन का भी अब लोग क्या करते हैं हरा चारा के रूप में ले रहे हैं। अभी तक तो हम लोग गाँव में देखते थे एक पेड़ होते थे उसपे सहजन फलती थी, फल केवल खाते थे लोग, लेकिन अब इसके पत्ते का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जो हरा चारा के रूप में लगाते हैं वो पूरा घना लगाते हैं, क्योंकि उनको पत्ते लेना है, उसके PKM1 वैरायटी का बहुत ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं लोग। तो ये मतलब सहजन भी आप हरा चारा के रूप में ले सकते हैं और ज्यादा बड़ा कर लेंगे तो इसका फल भी ले सकते हैं आप। ये भी बहुत पौष्टिक होती है, पौष्टिक भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और बीमारी से बचाने की क्षमता भी इसकी है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी 22-24% प्रोटीन की मात्रा है, जो कि आपका बरसिंग ये सब जो जितने भी रचका होते हैं ये सबसे बहुत अच्छी पौष्टिकता इसमें है। ये देख रहे हो कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जो अनंत वैरायटी ये सब बता रहे हैं, उसमें एक एक पौधे से 40-50 कल्ले निकलते हैं, इतनी अच्छी होती है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं दूसरे सूडान की अपेक्षा करें, और इसमें जो जहरीलापन होता है वो भी अनंत वैरायटी में बहुत कम होती है नॉर्मल सूडान की अपेक्षा। ये कुछ फोटोग्राफ देख रहे हो बांका जिले के हैं, है ना। ये देख रहे हो कि आपको नेपियर और बुनी ग्रास पैरा ग्रास ये सब लगा हुआ पोखर के दोनों साइड में, जिसका उपयोग लोग बकरी को काट के खिलाने के, काट कर इसको बकरी को खिलाने के उपयोग में लाते हैं। तो आपके गाँव भी ऐसा नहर यदि कुछ निकल रहा हो तो दोनों साइड आप हरा चारा लगवा दे सकते हैं, इसके डंठल लगते हैं ताकि इससे आपको हरा चारा मिलते रहेगी हमेशा, है ना। जो भी बेकार जगह हो, देख रहे हैं फार्म के बगल में बेकार जगह वहां लगा दिए हैं, कहीं गोबर इकट्ठा करें उसके साइड में लगा दिए हैं, ये बाउंड्री का भी काम कर रहा है और आपको हरा चारा भी देते रहेगी।
अब देख लिए कुछ और में दिखा दें कि अनाज भर के हरे चारे यदि खरीफ में लगाना है तो ज्वार लगा सकते हैं, सुधान लगा सकते हैं, मकई लगा सकते हैं, बाजरा, ये सब आपके पास च्वाइस में है अनाज भर के, ये सभी लोग जानते हैं। बाजरा नए लोग तो नहीं देखे होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे बाजरा क्या चीज होती है। इसका हरा चारा भी के रूप में भी इसकी वैरायटी निकाली गई है। अब खरीफ के समय में आपको दलहन भर के हरे चारे की समस्या आती है, जो दो बीज वाली बोल रहे थे उसमें आप सबसे बेहतरीन लोबिया होती है, जिसका वैरायटी EC4216 है ना, ये बीज ये लगा दीजिएगा हरा चारा तो दो बार कटेगी, मतलब दो कट देगी ये, जबकि ग्वार एक कट मात्र देती है। नीचे वाला फोटो राइस बीन की है, ये भी एक कटिंग मात्र देती है। ये तीनों वैरायटी आप हरा चारा के रूप में ले सकते हैं, सुदाना और मकई के साथ में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं दोनों आधा आधा खिलाना है। 500 ग्राम यदि सुदान खिला रहे हैं तो 500 ग्राम लोबिया या ग्वार मिलाकर आपको खिलानी पड़ेगी। अब इसके बाद जब रबी सीजन की बात आती है तो उसमें जय और मकई ले सकते हैं अनाज वर्ग में, और दलहन वर्ग में इस समय को सबसे बेहतरीन होती है बरसिंग होती है, जो कि लगभग 8-9 बार कटती है। इसको हरा चारा की मतलब तीन राने भी बोली जाती है कि सबसे ज्यादा कटिंग देने वाली है ना, तो आप अक्टूबर नवंबर में इसको लगाएंगे तो मार्च अप्रैल तक कटेगी, तो दोनों मिलाकर आप रबी सीजन में खिला सकते हैं। तो खरीफ और रबी दोनों का होगी आपका व्यवस्था। अब इसके बाद कुछ बहुवार्षिक होते हैं वो लगा सकते हैं, है ना, तो बहुवार्षिक लगा देंगे तो आपको बीच में ऐसे बहुवार्षिक जो है ये बीच में क्या होगा कि जब वो दोनों हरा चारा नहीं मिल पा रही, खेत खाली रह गई है, तो उस समय आपको हरा चारा उपलब्ध कराएगी। तो बहुवार्षिक में नेपियर पहले बता चुके हैं, अजोला आपको बता चुके हैं, अजोला को उत्पादन के लिए, और कुछ दलहन वर्ग में अस्टाइलो अपक्लाइटोरिया होती है, इसको आप लोग अपराजिता के रूप से जानते होंगे। इसकी वेरायटी निकली हुई जो ज्यादा पत्ते दे, मतलब हरा चारा के रूप में इसको ले रहे हैं, खासकर वैसी जमीन जो बंजर भूमि है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। एक बार हो जाएगी तो लगभग 3-4 साल तक चलते रहेगी, आप बकरी को इसमें खोल दीजिए, बकरियां चरेगी, फिर दोबारा ये अपने आप खुजना शुरू हो जाएगी, लेकिन वही पार्टीशन तो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या होगा, बकरियां हमेशा उस पौधे को चरते रहेगी, कभी बढ़ेगी नहीं। आपको निश्चित करना पड़ेगा 2-3 दिन इतने दूर में चरेगी ये बकरी, इसके बाद इसको छोड़कर दूसरे भाग में चरेगी, तब जाके पहला को वृद्धि करने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक नई तकनीक है, यदि किसी के पास खेत बहुत कम है, जमीन कम है, तो आप हाइड्रोपोनिक हरा चारा भी कर सकते हैं, मतलब घर में ही हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं, जो हरा चारा आपको 10 से 12 दिन में तैयार हो जाएगी, और बहुत अच्छी तकनीक है, इसके लिए खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मशरूम घर में कर लेते हैं उसी प्रकार इसको की जाती है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, आराम सीधी वे में 10 से 12 दिन में आपको हरा चारा घर में उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अपने बकरी के अनुसार देख लेंगे कितनी बकरियां हैं, कितना उत्पादन करनी है, तो ट्रे वाइज आप या नीचे फर्ज पे भी उस अनुपात में डेली के हिसाब से उत्पादन कर सकते हैं। 1 किलो बीज से लगभग 5 से 6 किलो आप हरा चारा इसमें मिल जाती है आपको। देखिए कुछ किसान करते हैं जो रैक बना के कर रहे हैं, है ना, कुछ क्या कर रहे हैं कि घर में नीचे जमीन पे भी या खाली रैक पड़ा हुआ है जमीन पे भी प्लास्टिक बिछा दिए, उसी पे हरा चारा उत्पादन कर लेते हैं, और इसमें ही होती है, इसमें काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप उठा कर जैसे महिला हाथ में ली हुई है इसी को उठा कर बकरी के पास रख दीजिए, बकरियां आराम से खा लेंगी। ये सब बहुत सारे विधि हैं, इसमें से एक चीज हम बताना चाहेंगे, यूरिया उपचारित भूसा, यदि जो दाना आप खिला रहे हैं, आपको जो बोला जा रहा है कि इसमें 200 ग्राम दाना देना जरूरी है, गाभिन बकरी उसको दाना जरूर दीजिए, इसके साथ साथ यदि आप जो भूसा खिला रहे हैं, आपकी बकरियां यदि भूसा खाना शुरू कर दी है, उस भूसे को आप यूरिया उपचारित करके खिलाइए, बहुत फायदेमंद रहेगा, आपको दाना देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि हरा चारा दे रहे हैं और यूरिया का भूसा दे रहे हैं तो आपको दाना खिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जरूरत ही पड़ेगी तो जो 200 ग्राम दे रहे हो 50 से 100 ग्राम दाना काफी हो जाएगा उसके लिए। यूरिया उपचारित करने के तरीके होते हैं, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ किसान तो कर ही रहे हैं, है ना, तो उनसे सीखकर आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, कोई किसी भी तरह का ज्यादा मेहनत इसमें नहीं है। इतना ही याद रखना है, 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में घोल लेना है और उसको 100 किलो भूसे के साथ मिला देना है,
मिलाने के बाद किसी बोरा में पैक करके 21 दिन के लिए छोड़ देना। समझ में आई बात? 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में घोल देना है, और उस 40 लीटर जो घोल बनी उसको 100 किलो भूसा में मिलाकर एक बोरी में पैक कर देना है और 21 दिन के लिए छोड़ देना है। 21 दिन के बाद आप बकरी को खिला सकते हैं इसको, लेकिन खिलाने के पहले आधे घंटे के लिए फर्श पे निकाल के छोड़ दीजिए इसको, ताकि उसको जो गंध रहती है, स्मेल रहती है, वो निकल जाए। उस बाद बकरियां आराम से खाना शुरू कर देंगी। और वृहत स्तर पे भी कर सकते हैं, जैसा फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, बैग में भी कर सकते हैं, बैनर आपके यहाँ जो पड़ी रहती है उसको भी थैला बना के आप यूरिया उपचारित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी मात्रा में करने की चीज है। अब दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 5 मिनट के अंदर हम अपना टॉपिक समाप्त कर लेते हैं, फिर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, है ना। ये खिलाने की बात हो गई, अब बकरी को बेचने की रणनीति की बात होती है ना। तो ये सभी लोग जानते हैं कि बकरी जो कीमत होती है उसके लिंक पे, मतलब कहने मतलब पाठी है कि पाठा, इस पे भी निर्भर करती है। उम्र, वजन, शरीर का आकर्षण, मतलब कितना चमक उसके शरीर में, ज्यादा चमक रहती है तो भी लोग लेने वाले थोड़ा ज्यादा पैसा देकर भी लेते हैं। यदि उसके पास सींग है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा तो भी उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये सभी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि कैसे उसकी कीमत अधिक मिल सके। जैसे कि मान लें खाना परोसते हैं, खाना परोसते हैं तो परोसने का एक नियम होता है कि ढंग से भी परोसा जाता है तो खाने की इच्छा अलग से जागती है। यदि वही चीज अच्छी तरह से नहीं परोसी जाती है तो खाने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। यही चीज इसमें है। दूसरी बात है कि हम लोग जो बकरी को बेचते हैं तो खास करके गांव में देखा जाता है कि जब पैसा की जरूरत पड़ी तुरंत बेच दिए। कोई बहुत सारे किसान को ऐसे देखते हैं कि 4-5 महीना में ही बेच लेते हैं, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कम से कम 9 से 10 महीना नहीं, 1 साल तक रखिए, उसके बाद बेचिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसकी वृद्धि का उम्र ही 4-5 महीने वाली होती है, जब वृद्धि की उम्र आए उसी समय हम लोग बेच देते हैं, है ना। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, एक समय पे बेचेंगे। दूसरी बात है, बेचने के समय उसके शरीर में जितनी अच्छी चमक रहेगी, पैसा देने मतलब खरीदने वाले कुछ अधिक कीमत पे खरीदेंगे उसको। इसके लिए आपको कृमि की दवा रेगुलर तो खिलानी ही खिलानी है, जो कि साल में कम से कम 3 बार जरूर दें कृमि की दवा। लेकिन 3 बार में 1 बार आप आइवरमेक्टिन कंपोजिशन की दवा जरूर उपयोग में लाएं, जो कि कृमि नाशक के काम भी करता है और चमोकन भी मारता है। यानी कि ऊपर जू जो रहेगा बकरी के शरीर पर उसको भी मार देगा और चमड़ी में चमक बहुत अच्छी लगती है। इसलिए आइवरमेक्टिन दवा का उपयोग साल में 1 बार जरूर करें, खास करके लास्ट में, अंतिम बार में जरूर करें, मतलब कि 3री बार। साल में कर रहे हैं 3 बार, 3री बार आइवरमेक्टिन दवा का उपयोग कर दें, उससे आपके बकरी में चमक आ जाएगी। उसके बाद आपको ये भी प्लानिंग करके रखना है कि दशहरा आने वाली है, कितने दिनों के बाद दशहरा आएगी, कब नया साल आने वाली है, कब ईद बकरीद आने वाली है, उसके अनुसार आप बकरा तैयार करें। मतलब आपको पहले सोच लेना है कि उस समय हमको बकरा बेचना है, इसको किस प्रकार, कौन सा बकरा को उस समय के लिए रखे, कौन को किसको पहले बेचना है ना। तो इसके लिए खरीदने वाले का भी उद्देश्य पे भी निर्भर करता है, उसका उद्देश्य क्या खरीदने का। कुछ लोग होते हैं चलो काट के बेच देंगे, वो अलग चीज होती है। कोई पूजा के लिए लेते हैं, वो अलग लेते हैं। यदि आप ईद या बकरीद के लिए बकरा तैयार कर रहे हैं तो आप 40-50 किलो वजन का भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल क्या है, नॉर्मल यदि किसी कटर को बेचना है, मतलब जो डेली खरीदते हैं उनको यदि 50 किलो वाला बकरा दे दीजिएगा तो पता चला उसे 25 किलो 30 किलो मांस निकल गई है, वो नहीं दिन भर में बेच पाएंगे ना। उनके यहाँ बिक्री 10-12 किलो मांस की होती है, तो एक बार काटने के बाद दिन भर वो काट के रखे रहेंगे तो आप भी खरीदना पसंद नहीं करेंगे। उस समय क्या होता है, वो छोटा वाला बकरा ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब ब्लैक बंगाल वाली, जो कि 15-20 किलो वजन हो जाए, बस 15 किलो वजन हो जाए, 10 किलो मांस निकल जाए, 8 किलो, तो एक बार में 2-3 ग्राहक आया तो काट के फटाफट उसको दे दिए, दूसरी बार 2-3 ग्राहक हो गए तो दूसरा बकरा काट के दे दिए। तो आपको इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिसको बेच रहे हैं उसको किस साइज का बकरा चाहिए, उसके अनुसार करना है, अपने क्षेत्र के अनुसार आपको इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके क्षेत्र में किस तरह का बकरा पसंद आ रहा है, मतलब कि कहीं पूजा में जैसा हम जानते हैं बाका जैसी जगह पर सुनते हैं कि गोला कलर का, मतलब एक कलर की, एक रंग की जो होती है ना बकरियां, वो ज्यादा पसंद, मतलब पूजा में दी जाती है, चितकवरा वाली पूजा में उपयोग
नहीं की जाती है, तो आप यदि चितकबरा वाला केवल आप पाल रहे हैं तब आपको मुश्किल हो जाएगी, पूजा के लिए लोग नहीं ले जाएंगे। और ये मान लीजिए पूजा के लिए जो ले जाते हैं वो अच्छी कीमत पे ले जाते हैं, थोड़ा ज्यादा कीमत देते हैं जो कि काटने के लिए जाते हैं उसके अपेक्षा। फिर कुछ एरिया में जैसे बांका जिला में एक एरिया देखे, वहां पर बोले यदि बकरी दूध नहीं भी हो रही है सर तो हम लोग गाय का दूध उसको नहीं पिला सकते, यदि गाय का दूध पिला दिए उस मेमना को फिर पूजा के उपयोग में लोग नहीं लाएंगे, है ना। इस बात का भी आपको ही ध्यान रखना। इसके साथ साथ सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है, आज का समय जो है हम लोग बायोटेक हब के द्वारा एक प्लानिंग करें कि आज यदि किन्हीं को नया फार्म खोलना हो वो बकरा बायोटेक हब प्रोजेक्ट के गांव से ले जाए, मतलब हम लोग अपने यहाँ ऐसा बकरा बकरी तैयार करें कि लोग पालने के लिए उसको ले जाए। आज की परिस्थिति ये है कि हमें भी आपके लिए यदि बकरी खरीदना है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बकरी आपको देते हैं हमको बाहर से मंगानी पड़ रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बकरियां सभी जगह है लेकिन हम अपनी बकरियों का ही च्वाइस नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे पास बकरी है नहीं, है भी तो लेने लायक नहीं है, लेने लायक भी है तो मतलब बेचने लायक ही नहीं है, मतलब उतनी है ही नहीं उनके पास कि बेच सके, है ना। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो बायोटेक प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग ऐसा करेंगे कि ऐसा तैयार करें भी कि लोग पालने के लिए यहाँ से ले जाए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि एक चार्ट बना के रखनी पड़ेगी, मेरे यहाँ समय से इसका देखिए टीकाकरण होती है, समय से इसकी कृमि की दवा पड़ रही है इसको, मेरे यहाँ जितने बकरियां स्वस्थ हैं किसी प्रकार की बीमारी इसमें जो इन्फेक्शियस बीमारी है तो वो नहीं आती है, ये गारंटी रहेगी, सभी का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि सिरोही नस्ल की है यहाँ से आई थी, उसके बाद ये बच्चा है, उसका ये बच्चा हुआ, ये पूरा नस्ल की उसकी जानकारी रहेगी। उसके बाद देखिए आप यहाँ से कटर नहीं लोग ले जाएंगे बल्कि पालने वाले ले जाएंगे, वो भी अच्छी कीमत पर ले जाएंगे। मार्केटिंग के लिए हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है। और दूसरा, यदि बकरी लाते हैं सिरोही और जमुनापारी नस्ल की है तो आपको दूध की मार्केटिंग व्यवस्था देखनी पड़ेगी, तब जाकर हम लोग इसमें तो कुछ अलग तरह का काम करके फायदे लेने में आसानी होगी। फिर बकरी पालक की समस्या जो होती है, समस्या क्या होती है बकरी पालक की, बकरी पालते ही इसीलिए है कि जब जरूरत हो उसको बेच लेंगे, इसीलिए बकरी को एटीएम बोला जाता है कि जब जरूरत हो पैसा निकाल लिए इससे। लेकिन नहीं, ये धंधा ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोग एग्री नहीं है, क्योंकि आपको 3 महीना 4 महीना का मात्र मेमना हुआ है, उसका बढ़ने का समय है, उसको आप अभी बेच दिए आप लॉस में जा रहे हैं, तो लेकिन आपकी भी मजबूरी है कि आपके पास पैसे की जरूरत है, इसके लिए आपको सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह बना के रखनी पड़ेगी ताकि पैसे की जरूरत है तो आप वहां से लेंगे, बकरी नहीं बेचेंगे। बकरी हमको दशहरा पे बेचने का सोचे हैं तो दशहरा के समय ही बेचेंगे, बकरीद में बेचना है तो बकरीद में ही बेचेंगे, पहले हम नहीं बेचेंगे। तो इसके लिए कहाँ से व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्वयं सहायता समूह रहेगी वहां से पैसे लेकर हम लोग काम चला लेंगे, लेकिन बकरी नहीं बेचेंगे, आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। इसके बाद बाजार की रणनीति होती है। हम लोग क्या होता है, हम लोग किसान जो है ना वो घर तक ही रह जाते हैं, स्वाभाविक चीज है, जो किसान रहे वो घर तक ही रहे, बाजार में क्या चल रही है ये आपको कुछ नहीं पता है। 1 जनवरी जब नया साल होती है तो जितने भी खस्सी काटने वाले होते हैं उनके पास लाइन लगी रहती है, और जो मीट 400 रुपये मिल रही है वो 700 रुपये मिलती है। लेकिन मेरे जो हम किसान है जो बकरी पालक है, वो जो बकरी पाले हैं वो होती क्या है कि मेरे यहाँ से कटर तो उसी रेट में ले जाती है, वो 10 दिन पहले खरीद के ले लिया है ना, उसका हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग उत्पादन बहुत अच्छी कर लिए हैं लेकिन बेचने समय हम लोग फायदा नहीं ले पाते हैं, फायदा दूसरे लोग लेता है, तो मात्र 10 दिन का टेंशन हो लिया है, हम तो पूरे साल इसका टेंशन झेल रहे हैं। लाइव चीज है, कब इसको बीमारी होगी, कब क्या होगी, है ना। तो उसको जब तक हम लोग स्वयं सहायता समूह बना कर नहीं काम करेंगे तो इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग बाजार का आइडिया नहीं ले सकता है। गाँव में दो चार आदमी ऐसे होशियार होते हैं जो उनको की बाहर घूमने की आदत ज्यादा होती है, वो बाजार का माहौल गमते रहे क्या चल रही है, कब ज्यादा बढ़िया बिकेगा, इसका कैलेंडर बना के हम लोग बायोटेक हब गांव में रखनी पड़ेगी। बकरी बेचने का उचित समय कैलेंडर से हम लोग पता चल जाती है ना कि कब बकरी आने वाली है, कब ईद आने वाली है, कब नव वर्ष आने वाली है, गाँव में हम लोग को चिपका के रखना पड़ेगा ताकि सभी लोगों को जानकारी में रहे कि हमको एकदम टारगेट रखना इसी समय बेचना है। और जब ज्यादा संख्या में रहेगा अपने यहाँ से तैयार, यदि 50
बकरा एक खस्सी जो हो गया तो स्वाभाविक है कोई भी आएगा गाड़ी से उठा कर ले जाएगा, बांका नहीं बिकेगी भागलपुर बिकेगी, भागलपुर में नहीं बिकेगी पूर्णिया बिकेगी, लेकिन कहीं का तो जरूर ले जाएंगे। जब उनको निश्चिंत हो जाएंगे कि वहां जाएंगे तो 50 रुपये मिल जाएगी और अच्छी कीमत पे मिलेगी। जैसे कि अभी बांका की मद जो है वो मुंबई सप्लाई हुई है, तभी सप्लाई हो पाए जब फुल ट्रक उनको दिया गया। उसी उसी के तरह हम लोग बकरी में भी रणनीति बनाएंगे ताकि उनको अच्छी कीमत मिल सके। उसके बाद व्यापारी भी बहुत ज्यादा ये करते हैं, मतलब कि आपका जो बकरी है आप कितने जो भी खस्सी या पाठा रखे हैं आपको अंदाजा रहेगा, नहीं मेरी तो 20 किलो का है, लगभग 6-7 हज़ार रुपया तो लेंगे उसका, 6 हज़ार रुपया लेंगे। लेकिन वो आएगा आराम से पीछे से पकड़ेगा, बोलेगा नहीं ये 15 किलो का है और इसे 3 से 3 हज़ार ज्यादा नहीं मिलेगा। आपकी भी मजबूरी है, एक बकरी आपके पास है, चार बार एक बार लौट गया, आपको पैसे की जरूरत है, आप बोलेंगे छोड़ो 3,000 या 3,500 दे दीजिए हम दे दें, वो भी दे देता है खुशी खुशी लेके चला गया। जी हाँ डॉक्टर साहब, अब कुछ हम सवाल ले लेते हैं और सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। एक आजाद हिंद है भागलपुर से, लिख रहे हैं अंकित कुमार हैं, ये लिख रहे हैं बार बार कि ब्लैक बंगाल बकरी को स्टॉल फीड पर कैसे पालें। इनका सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो। अंकित जी बात यह है ना कि स्टॉल फीड पर ब्लैक बंगाल को ही पाली जा सकती है। बांका जैसी जगह पे जो शहर के बगल में है लोग स्टॉल फीड पे पाल रहे हैं, है ना, तो इसको धीरे धीरे आदत आपको देनी पड़ेगी। घर में लाइए और उसको चुन्नी और ये मिलाकर भूसा मिलाकर खिलाना शुरू कीजिए, है ना, धीरे धीरे आदत डालिए। और दूसरी बात है उससे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि जहाँ से ब्लैक बंगाल बकरी आप खरीद रहे हैं तो आप शहर के बगल से खरीदिए। शहर के बगल में जो रखते हैं ना जिनको चराने की व्यवस्था नहीं है वो स्वाभाविक स्टॉल फीड पे ही उसको रख रहे हैं तो आपको परेशानी कम होगी। यदि आपके पास पहले से बकरी है जो चल रही है उसको स्टॉल फीड पे रखना है तो धीरे धीरे घर में बांध के रखिए, धीरे धीरे आदत दिलाए आदत पड़ जाएगी। लेकिन हम आपको ये सजेशन देंगे फुल्ली स्टॉल फीड पे कभी भी ब्लैक बंगाल का पालन नहीं कीजिएगा, कोई भी बकरी का पालन नहीं कीजिएगा, उसको चरने की व्यवस्था जरूर रखिए और जैसा हम आहार के खिलाने की सब कुछ व्यवस्था बताएं उस अनुसार उसको नेचुरल कुछ इन्वायरमेंट दीजिएगा तभी रह पाएगी, नहीं तो बकरियां बहुत जल्दी बीमार पड़ेगी। और क्या होता आप दाना दीजिएगा ना तो पाउडर उसमें रहेगा, उसका नाक मुंह में बहुत कम डिफरेंस रहती है जिसके कारण होता डस्ट उसके नाक में जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी, मतलब बकरी में निमोनिया बहुत ज्यादा संभावना बनेगी तो समस्या झेलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मेहनत करके स्टॉल फीड पे कर सकते हैं। जी एक सवाल ले लेते हैं, ये मोहम्मद शाहबाज अली हैं, ये जिला रोहतास से हैं, ये कह रहे हैं कि सर दस्त का कोई कारगर इलाज बकरियों में हो एवं इसके रोकथाम हो तो जरूर बताएं। देखिए इसमें दस्त बकरियों में दस्त और निमोनिया दो ही सबसे बड़ी शिकायत होती है। दस्त का दो तीन कारण मुख्य रूप से होती है। पहला कारण है कि खाने की जो लिमिट नहीं पता है ना, जो अच्छे बकरी पालक हैं वो दाना अनलिमिटेड मात्रा में खिला रहे हैं या हरा चारा दे रहे हैं तो अनलिमिटेड मात्रा में दे रहे हैं, उसमें दस्त होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसमें आपको केयर करने की जरूरत पड़ेगी, खाना उसकी जरूरत के अनुसार ही दे, ज्यादा नहीं दे। और दूसरी बात होती है इन्फेक्शन से होती है, इन्फेक्शन से हो रही है तो आपको उसके आहार पे ध्यान देने की जरूरत उसमें पड़ेगी, बिल्कुल गंदगी वाला चीज नहीं खा रही हो। और उसका उसमें दवा जो होती है वो फिक्स दवा है जो आदमी को उपयोग में आती है, मतलब कि ओफ्लोकाइंड ओजेड या नॉर्फ्लोस्टिजेड ये दवा आती है, वही आप खिलाएंगे तो इसका दस्त ठीक रहेगा। मतलब खाने के कारण ज्यादा समस्या बकरियों में होती है तो आहार पे आप उसका ध्यान दीजिए, लिमिट मात्रा में खिलाएं। जी विकास कुमार पूछ रहे हैं कि बिहार के लिए उपयुक्त नस्ल बकरियों की कौन सी होगी। विकास जी आपको ये बता दें कि सबसे फर्स्ट टॉप पे रखेंगे तो सबसे उपयुक्त नस्ल आपकी ब्लैक बंगाली है जो आपके पास खुद है, केवल उसमें प्रबंधन अच्छा कीजिए, ये ज्यादा फायदा देगी, है ना, तो सबसे बेहतरीन यही रहती है। उसके बाद आप चाहें तो बारबरी का उपयोग करें, वो भी थोड़ी सी बड़ी साइज में इससे होती है ना, चितकबरे कलर की होती है। सबसे टॉप पे आप ब्लैक बंगाल रखेंगे, उसके बाद आप बारबरी को रखेंगे, इसके बाद
दूध लेने के लिए यदि चाह रहे हैं तो सिरोही और जमुना पारी पे जाएंगे, है ना? ठीक है विकास जी। कुछ सवाल और आ रहे हैं डॉक्टर साहब। ये मोहम्मद निरुला कह रहे हैं कि सर मेरा बकरी फार्म समस्तीपुर में है, मैं एक साल से फार्म चला रहा हूँ, मेरा बहुत सा जानवर मर गए हैं और बाकी में ग्रोथ नहीं है। मतलब ये फार्म चला रहे हैं और बड़े थोड़ा इसमें निराशावाद इनका थोड़ा निगेटिव असर हुआ है, तो उसके बारे में कुछ सुझाव डॉक्टर साहब आप बताएं। निरुला जी आपको ये बताना चाहें, बकरी पालन में अभी की सिचुएशन में ज्यादा निराशाएं हाथ लग रही, उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग की थोड़ी सी पहले प्रशिक्षण कम हो पाती है, इसके लिए बृहद प्रशिक्षण की जरूरत है। जैसा बताया गया उसके अनुसार आप जरूर करें। इसमें शुरुआत की जो टीका आपकी जो बकरियां मर रही होगी उसका दो ही कारण था, निमोनिया डायरिया और पीपीआर, है ना, छेरा बीमारी। तो छेरा बीमारी का टीकाकरण सबसे पहले कर लें, कृमि की दवा रेगुलर दें। इसके साथ साथ एंटेरोटॉक्सेमिया बीमारी होती है जिसमें कुछ लक्षण ही नहीं पता चलता है, स्वस्थ बकरी मर जाती है। तो छेरा बीमारी यानी पीपीआर और एंटेरोटॉक्सेमिया दोनों का टीकाकरण करवा दीजिए आते के साथ एक हफ्ता के अंतर्गत, कृमि की दवा देते रहें तो आपके मरने की शिकायत कम होगी। उसके बाद उसके आवास भी देखना पड़ेगा, इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, खुला पूरा रहना चाहिए और चरने की व्यवस्था जरूर कीजिए। ज्यादातर फार्म जो खुलती है अभी एकदम सोचते हैं कि स्टॉल फेड खिला के उसको रख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बकरी की आदत है डेली 2 से 3 किलोमीटर की जर्नी उसकी होनी चाहिए, पहले जगह 2 कट्ठा की आपके पास हो लेकिन दिन भर में 2-3 किलोमीटर इतना वो चलेगी तब जाकर वो स्वस्थ रहेगी। तो सफाई से लेकर उसको चलने की व्यवस्था रहनी चाहिए, तब उसमें मोर्टिलिटी कम होगी, मतलब मृत्यु दर कम होगी। और मांस नहीं आने की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसके आहार में प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलती है, प्रोटीन और मिनरल दो चीज की बहुत ज्यादा कमी है। इसको जैसा हम बताए हैं उसके अनुसार यदि दाना खिलाने की प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर उसमें वृद्धि आएगी। और हरा चारा का उत्पादन कीजिए जिसमें कि दलहन बरका केवल सुदान और मकई में। एक सवाल यहाँ पर कर रहे हैं दीपम कुमार हैं, वो शायद नए हैं और बकरी पालन में वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है जो इस लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो ग्रामीण कल्चर में नहीं है लेकिन वो एक बकरी पालन में हाथ आजमाना चाहते हैं। ऐसे युवा जो एमबीए हैं कई जगह पर कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं और वो सब छोड़ के इसमें हाथ आजमाना चाहते हैं, तो उनको कितने बकरियों से शुरू करना चाहिए और उनके लिए क्या चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे उनके बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्लानिंग फेज में, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए नए जो भी बिजनेसमैन के रूप में आ रहे हैं बाहर से आना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला सलाह देख रहे हैं कि आप पहला ट्रायल 20 बकरी से लें। इसलिए क्योंकि आप यदि चाह रहे हो कि लेबर के भरोसे हम बकरी पालन कर लें आपसे संभव नहीं हो पाएगा, करेंगे आप लेबर के भरोसे ही लेकिन आपको उसमें डेली टाइम देना पड़ेगा, मतलब सुबह शाम जाकर आपको एक नजर देखनी पड़ेगी कि बकरी मेरी स्वस्थ है, बकरी मेरी खाना पीना खा रही है। यदि आप सोच रहे हैं लेबर के भरोसे छोड़ के हम 15 दिन तक कहीं रहेंगे तो बकरी पालन संभव नहीं हो सकती है, पहली बात यह है। दूसरी बात है कि जो बताए कि 20 बकरी से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि 20 बकरी से भी आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास एक साल में 50 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैक बंगाल शुरू करते हैं तो एक बकरी एक बार में 2 से 3-4 बच्चा भी देती है और 13-14 महीना में 2 बार बच्चा देगी, तो मतलब 6 महीना में साल भर में आपके पास पूरे एक्सपीरियंस हो जाएंगे क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या क्या मतलब समस्याएं आती है उसको झेलने हो जाएगी। चूंकि जैसा निरुला जी का केस देख रहे हैं इसमें मोर्टिलिटी भी आती है तो बहुत ज्यादा आती है, मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, तो आपको पहले इसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब जो शेड्यूल हम बता रहे हैं कि टीकाकरण और कृमि की दवा ये सब अपनानी पड़ेगी, इसके साथ आहार प्रबंधन और इसका घर का प्रबंधन करना, आवास प्रबंधन अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बकरी पालन बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है, बहुत मुश्किल आती है। जो भी बड़े लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो पहले जो भी लेबर वहां पर है उनको ट्रेंड करें, उनको प्रशिक्षण दें। अब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं विकास जी, आप यदि बकरी पालन दूसरे से करवा रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगी, अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। कई कॉमन सवाल आ रहे हैं डॉक्टर साहब बकरी पालन में लोन से संबंधित, कि इसमें लोन की क्या प्रक्रिया है
और कितनी तक लोन मिल सकती है और इसके लिए उनको क्या प्रिपेयर करना होगा? देखिए, लोन की जो समस्या है, दो तरह के आप रास्ते आपके पास हैं। एक रास्ता है कि सब्सिडी वाले, अनुदान वाले जो लोन होती है उसकी चर्चा लोग ज्यादा करते हैं। तो जो सब्सिडी वाले, अनुदान वाले लोन है वो बिहार सरकार से मिलती है। आपके जिला में जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां जब अनुदान आई रहती है तो वहां पर फॉर्म आपको मिलेगी, वो भर कर देंगे तो आपको वहां से पास हो गया, है ना। वहां के थ्रू बैंक में जाएंगे। तो इसके लिए पिछले वर्ष की जो थी, इस वर्ष की अभी नई योजना नहीं आ पाई है, पिछले वर्ष की जो थी वो 100 बकरी की भी थी और 10, 20, 40 और 100 बकरी ऐसे थे, है ना। तो 100 बकरी में लगभग 8 लाख का उनका प्रोजेक्ट था। तो उसमें है कि घर बनाने से लेकर सब कुछ की व्यवस्था वो देते हैं, वो बनाएंगे, उसके अनुसार आपको फिनांस होगी। एक मैटर ये हो गया। उधर से जाएंगे तो 50% सब्सिडी की व्यवस्था है। जो ST कम्युनिटी के हैं, है ना, उनकी थोड़ा सब्सिडी ज्यादा रहती है, ST में थोड़ा ज्यादा रहती है। जनरल के लिए 50% अनुदान आपको मिल जाएगी, मतलब 8 लाख में आपको 4 लाख आपको देनी है, 4 लाख गवर्नमेंट देती है। दूसरा, इसमें यदि सफल नहीं हो पाए, चूंकि 100 बकरी वाली लोन आए थे, पूरे बिहार में 20-25 मात्र रहते हैं, तो बांका जैसे जिला में एक भी नहीं हो पाए थे। दूसरा रास्ता आपके पास है कि डायरेक्ट बैंक में अप्रोच करेंगे, उसमें ये उस प्रोजेक्ट बनाकर उनको देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनाकर देंगे कि 40 बकरी हम करना चाह रहे हैं, वो डिटेल बताना पड़ेगा, हाँ इतना फायदा होने की संभावना है, ये प्रोजेक्ट बनती है, बैंक को देंगे। बैंक को पसंद आएगी कि चलो इनको लोन देने के बाद ये लॉस में नहीं जाएंगे, मेरा लोन चुकता कर सकते हैं, तो आपके गुड फेथ पे वो लोन देंगे। ये डायरेक्ट वाली रिलेशन होती है। ये दो रास्ता आपके पास है। हमारे साथ खास तौर पे जो औरंगाबाद, अररिया और बांका जिले के किसान जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये प्रशिक्षण का जो प्रोजेक्ट है ये 3 जिलों के लिए विशेषकर है। हमने बाकी जितने भी हमारे दर्शक कम्युनिटी के हैं वो सभी लोगों के लिए और इच्छुक लोगों के लिए हमने इसे प्रशिक्षण के लिए खोल रखा है, उनके भी सवाल ले रहे हैं। अररिया जिले से अभिषेक कुमार एक सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब आपने दे दिया है कि बकरी की नस्ल अररिया जिले के लिए कौन सी उपयुक्त है। तो जो आपने शायद शुरुआत में दिया था वो सवाल के जवाब उनके हो सकते हैं कि जो ब्लैक बंगाल के अलावा भी आपने बताया कि कौन सी नस्ल की बकरी वो पालें। एक सवाल जो है इसमें रक्षा विश्वास मोहन तिवारी हैं, ये पूछ रहे हैं कौन सी प्रजाति है, इनका भी एक साधारण सा सवाल है। एक नया क्वेश्चन है कि क्या छत पर बकरी पालन कर सकता हूँ, इस बारे में वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, छत पे बकरी पालन तो की जा सकती है, लेकिन मेरा एक ही चीज है कि आप, हम तो मना कर देंगे, इसलिए मना कर देंगे आपको कि हम हमेशा एक चीज पे जोर दे रहे हैं, पूरी तरह से बांध के बकरी का पालन नहीं कर सकते। छत उतनी बड़ी नहीं हो सकती है, है ना, कि उसको घूमने की व्यवस्था, यदि आप घूमने की व्यवस्था उसको कर लेते हैं तो आप बकरी पालन छत पे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सजेस्ट नहीं करते, ऐसा शुरुआत नहीं करें, ना तो आप ज्यादा मात्रा में उसको व्यवसाय के रूप में भी नहीं कर पाएंगे और उसमें मुश्किल हो जाएगी आपको। इसलिए छत पे शुरुआत बकरी पालन का नहीं करें तो बेहतर रहे। यदि है कि 2-4 बकरी का करना है तो कर सकते हैं, व्यवसाय के रूप में आप नहीं जा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है विकास जी का कि सर बकरी और गाय एक ही फार्म में अलग अलग रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, अलग अलग रख सकते हैं, मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जी एक सवाल ये आ रहा है उससे खान पान से संबंधित, निरंजन कुमार हैं कि सर भूसी में गेहूं का भूसी भी दे सकते हैं बकरी को? हाँ निरंजन जी, खिलाने का जो तरीका जो बता दिए कि भूसी कोई भी दे सकते हैं, आप पुआल भी दे सकते हैं, गेहूं का भी दे सकते हैं, है ना, उसको आदत दिला दीजिए, अपने क्षेत्र के अनुसार वो खाना शुरू कर दे, आदत दिलानी पड़ेगी। संतोष कुमार पूछ रहे हैं कि एक कीड़े का दवा बताएं, टैबलेट या इंजेक्शन हो तो जरूर बताएं, बकरी में जो कीड़े की जो समस्या आती है पेट में। बकरी में कीड़े की जो समस्या आती है तो आप नॉर्मल फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की दवा याद रखेंगे, है ना, और बकरी के लिए आपके पास ब्लैक बंगाल है तो फेनबेंडाजोल 150 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम का दवा 20 किलो वजन तक आप सुबह में खिला सकते हो, ये खिलाना, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद खिलानी है। लेकिन दूसरी बात, जो हम आइवरमेक्टिन का किए हैं जो चमक आने के लिए होती है, इसके लिए आप इंजेक्शन का उपयोग कीजिए, वो 1 ml पड़ता है 25 किलो वजन पे, चमड़ी के नीचे, है ना,
तो इसको क्या करना, आपकी बकरी 20 किलो की है तो आप आधा ML का ही उपयोग करें, उसको आधा ML सभी बकरियां में। हाँ डॉक्टर साहब, एक संदीप कुमार हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स से चारा दे सकते हैं, इसमें प्रोटीन कितना होता है और ड्राई मैटर कितना होता है? इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है, आप तो नॉर्मल चारा को ज्यादा होती है, मकई का करेंगे तो 14% तक आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगी, लेकिन नॉर्मल हरा चारा होते हैं 8-10% प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन की मात्रा 14% होते हैं, लेकिन ड्राई मैटर की मात्रा जो होती है मात्र 10% के लगभग ही होती है, जबकि नॉर्मल हरा चारा में 20% तक होती है। तो ड्राई मैटर की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें विटामिन ए की मात्रा और ई की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा कि जो बकरी में गर्मी नहीं आने की शिकायत होती है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी अधिक मात्रा में मिल रही है। जी, कुछ हमारे दर्शक विदेशों से भी देख रहे हैं, शायद हमारे YouTube के पुराने दर्शक हैं, दुबई में हैं और वो बकरा पालन करना चाहते हैं भारत आकर के। तो आपके लिए जवाब जो है डॉक्टर ने पहले भी दिया था कि आपको पहले से इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो वहाँ पर आप लेबर रखेंगे वो ट्रेंड होने चाहिए। एक शिवनाथ जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द चाइल्ड मॉर्टेलिटी इन ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल में चाइल्ड मोर्टिलिटी की जो बात होती है वो सबसे अधिक होती है जो मल्टीपल बर्थ, मतलब कि 2 से अधिक बच्चे जो बकरी दे रही है, मतलब जिसका 3-4 मेमना हो गया, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो बकरी उतना दूध दे नहीं पाती है कि उसका पेट भर सके, इसकी क्षमता ही होती है मात्र 600 से 700 मिलीलीटर दूध देने की, जो कि 400 से 500 ML तो उसको लगभग 15 दिन में चाहिए, तो पौष्टिक मतलब उसके पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण मोर्टिलिटी ज्यादा होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र बांका के द्वारा इसके लिए मेमना के लिए चॉकलेट बनाई गई है, इसको मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक फॉर किड बोलते हैं, जो कि आप 15 दिन के बाद उसको उसके पास रख देंगे, वो चाटते रहेगी, जिससे कि उसको पौष्टिकता मिलती रहेगी, मतलब दूध कम मिलने पर भी आपको इससे उसको पौष्टिकता मिलती रहेगी, तो मोर्टिलिटी कम होगी, नहीं तो फिर आपको मतलब गाय का दूध या दूसरे बकरी का दूध किसी प्रकार दूध का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिससे मोर्टिलिटी कम होगी, और उसका जो घर बनाए हैं आवास बनाए हैं उसमें सूखा रखें और ठंड का प्रभाव कम पड़े तो मोर्टिलिटी स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी, मतलब मेनली अंडर न्यूट्रिशन के कारण उसमें मोर्टिलिटी ब्लैक बंगाल में अधिक है। एक हमारे दर्शक सीतामढ़ी से हैं, बहुत सवाल कर रहे हैं, हालांकि उसकी जानकारी होगी नहीं, हमें ये नहीं पता, वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में कोई ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी हो डॉक्टर साहब तो उनको दे दें। सीतामढ़ी सभी डिस्ट्रिक्ट में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर आप जा सकते हैं प्रशिक्षण के लिए, एक कृषि विज्ञान केंद्र है, दूसरा RCET का ऑफिस सभी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ भी प्रशिक्षण दी जाती है, तीसरा है जो कि आत्मा का कार्यालय भी सभी जिला में है, वहाँ पर भी ये 3 जगह पर आप निश्चिंत होकर जाकर प्रशिक्षण ले सकते। जी, एक प्रीतम कुमार अररिया से हैं, ये सत्यदेव प्रसाद के नाम से पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिरोही नस्ल की बकरी कितने महीने में बिक्री के लिए तैयार हो जाती है? प्रीतम जी, जैसा बात है कि तैयार करना चाहें तो मतलब यदि अच्छी खुराक उसको मिल रही है तो 12 से 14 महीने वो बेचने के लिए तैयार हो जाएगी, बिकने लायक हो जाएगी, है ना, और उसके पहले यदि बेचना चाह रहे हैं तो मतलब इमेच्योर रहती है, 1 साल का समय आपको उस पर देना ही देना पड़ेगा, तब जाके आपको 25 से 30 किलो का वजन आराम से आप ले पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछ रहे हैं, ये राजदेव जी हैं, वो कह रहे हैं कि बकरी में मौसमी बीमारी होती है, जैसे कि गर्मी बारिश के बाद ठंड का मौसम आता है तो उस समय बकरी के पेट खराब हो जाते हैं, तो उसका रोकथाम के उपाय से पहले कुछ उपाय किया जा सकता है क्या? इसमें देखिए, जब भी समय चेंज होती है ना, मान लिया जैसे अभी गर्मी पड़ रही, बरसात आई, तो हरा चारा जो घास होते हैं एकाएक उगते हैं, है ना, उसके कारण क्या होता है, उसमें कीड़े का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण पैखाना होने की शिकायत बढ़ जाती है, इसके लिए कृमि का दवा आप रेगुलर उपयोग में लाएं, और दूसरे बात, जो खाना चेंज हो रही है, नया नया हरा चारा मिलता है,
तो एकाएक सूखा से ज्यादा मात्रा में हरा चारा बकरियां खा लेती है, उसके कारण उसके पैखाने जो होते हैं वो पतले होने लगते हैं। तो आपको उसके आहार पे ध्यान देने की जरूरत है कि ज्यादा मात्रा में कोई चीज एकाएक नहीं खाओ, और कृमि की दवा रेगुलर देते रहें, व्यवस्थित करते रहें, तो आपको पैखाना होने वाली शिकायत कम हो जाएगी। जी, एक सवाल कर रहे हैं कोई गुरु ओम हैं, वो कह रहे हैं कि सर मैं 100 बकरियों से अपना नया फार्म शुरू करना चाहता हूं, क्या अभी सबौर या बांका के केवीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था है या कोई जानकारी देंगे इस बारे में? किस जिले से हैं? जिला तो इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन ये शायद आसपास कहीं है। हाँ देखिए, यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग व्यवस्था है, भागलपुर में भी है, बांका में भी है, लेकिन यदि आप बांका जिले के होंगे तभी हम आपको ट्रेनिंग दे पाएंगे। मतलब मेरा ये मतलब एरिया है कि बांका जिले वाले को ही ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप जिस जिला के भी निवासी हैं उस जिला में कृषि विज्ञान केंद्र से कॉन्टेक्ट करें, आपको जरूर प्रशिक्षण दी जाएगी वहाँ और सर्टिफिकेट भी आपको मुहैया कराया जाएगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ओरिजिनल ब्लैक बंगाल, तो उसको ये जानना चाह रहे हैं कि ये असली ब्लैक बंगाल को कैसे ये आइडेंटिफाई करें। देखिए, प्योर आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनका जेनेटिक्स मेंटेन करते हैं, वही बता पाएंगे जिनके फार्म पे है ना, रिकॉर्ड देख के बताई जा सकती है। बाकी लगभग में जितने भी नस्ल आपको दिख रहे हैं लगभग में बताई जा सकती है कि ब्लैक बंगाल के जैसा है, प्योर ब्लैक बंगाल नहीं। लेकिन इसके भी कुछ गुण होते हैं कि जैसे इसके मेल फीमेल दोनों में दाढ़ी होंगे, छोटे कान होते हैं, छोटे साइज की होती है, और पूरे एक रंग का ब्लैक होता है और एक रंग की व्हाइट होती है। बाहर से आप इतना ही पहचान सकते हैं, इसके सिवा ज्यादा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उसको ब्लड से ही मतलब जेनेटिक्स से ही पहचानी जाती है, इसलिए इस्टेब्लिश्ड फार्म होते हैं जो पहले भी चर्चा किए कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा फार्म पे, तभी जाकर आप अच्छी तरह से उसकी अच्छी कीमत पे बिक्री कर पाएंगे। जो हमारे बायोटेक किसान हैं, परियोजना से जुड़े हुए किसान हैं, वो अररिया से हैं, वो पूछ रहे हैं प्रीतम जी कि ये सत्यदेव प्रसाद जी की बायोटेक किसान हब के तहत बकरी कब तक मिल जाएगी। आप इससे संबंधित जो कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे एक बार संपर्क कर लें, ये सत्यदेव जी, कि आपको उस परियोजना के तहत कब बकरी मिलने वाली है। एक सवाल डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि कैन वी गिव ओनली साइलेज इंस्टेड ऑफ ड्राई एंड ग्रीन फॉडर? केवल साइलेज देकर आप बकरी पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पहले ही हम बता चुके हैं कि बकरियों को प्रोटीन वाले आहार की भी जरूरत पड़ती है। साइलेज जो बनती है मुख्य रूप से अनाज वाले हरे चारे से बनती है, मतलब उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो आपको उसके अलावा आपको दाना देना ही पड़ेगा या आपको हरा चारा में दलहन बरका देना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। केवल साइलेज से आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये सिर्फ साइलेज से नहीं ये कर सकते। ये एक है, कोई लिख रहे हैं कि आई एम इंजीनियर एंड वर्किंग एमएनसी, आई हैव विजिटेड आउट ऑफ कंट्री बट आई वांट टू सेटल माय होम टाउन, लुकिंग टू स्टार्ट ए करियर इन गोट फार्मिंग, प्लीज सजेस्ट मी वेयर आई कैन कॉन्टेक्ट। ये शायद बिहार के किसी जिले से हैं, ये इंजीनियर हैं, एमएनसी में हैं और ये लौट करके गॉट फार्मिंग से जुड़ना चाह रहे हैं। इनके सवाल के जवाब हमने पहले ही लिए हैं, तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि इसके जो ट्रेंड आपके पास होने चाहिए, जो आपके यहाँ पर लेबर काम करेंगे या जो आपके सहायक काम करेंगे, वो ट्रेंड होने चाहिए, तभी आप इसमें हाथ आजमाएं। कुछ एक्सपर्ट को भी ज़रूर अपने साथ रखें। एक अंकित सिंह है, वो पूछ रहे हैं कि कैन वी यूज क्रॉस ऑफ सिरोही एंड ब्लैक बंगाल टू प्रिवेंट द चाइल्ड मोर्टिलिटी इन ब्लैक बंगाल? एकदम कर सकते हैं आप, सिरोही ब्लैक बंगाल के भी क्रॉस मिल जाए है ना, लेकिन क्या है कि दोनों का क्रॉस कराना बहुत मुश्किल है नॉर्मली, क्योंकि सिरोही की वजन बहुत ज्यादा होती है, ब्लैक बंगाल की कम होती है। उस परिस्थिति में ब्लैक बंगाल में भी सिरोही का सीमेन भी डलवाते हैं आप, तो उसका बच्चा को जन्म लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, डिस्टोकिया की प्रॉब्लम आएगी, उसकी साइज बड़ी होती है, इसलिए बच्चे की मतलब जन्म के समय ही मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि क्रॉस किया हुआ कहीं से मिल जाती है उस बहुत अच्छा रहेगा चाइल्ड मोर्टिलिटी रोकने के लिए।
और चाहे तो आप अपने फार्म पे ही सिरोही नस्ल की बकरी रखे, ब्लैक बंगाल भी रखे, सिरोही में दूध ज्यादा होती वो दूध आपने अपने मेमने जो ब्लैक बंगाल के मेमने हैं उसको उपयोग में मतलब पिलाने के उपयोग में लाइए, स्वाभाविक रूप से आपकी मक्खी रुक जाएगी। यदि क्रॉस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। एस राज जी है, पूछ रहे हैं बकरी को कितने मंथ में के बाद गाभिन कराना चाहिए। देखिए ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरियां हैं उसको आप 7-8 महीने में गाभिन करा सकते हैं, है ना। ऐसे बोला जाता है जो भी बकरी जो भी किसी भी नस्ल की बकरी हो उसका लगभग 40-50% तक मतलब 40% तक भी वजन उसमें आ जा रही शरीर वजन तो आप गाभिन करवा सकते। जी डॉक्टर साहब, एक अमित यादव है पूछ रहे हैं कि सर पीपीआर टीका मार्केट में कहाँ मिलेगा। देखिए अमित जी आप कहाँ से हैं तो मालूम नहीं, लेकिन आपको ये बता दें कि ये वैशाली जिले से हैं। वैशाली जिले से बहुत सौभाग्य की बात है, वैशाली जिले से हैं आप, पटना के नजदीक में हैं आप। हथुआ मार्केट के पास चले जाएंगे अपोजिट साइड में, पीएम सेज के अपोजिट साइड में हनुमान मंदिर है, उसके अपोजिट में गुप्ता मेडिको है, वहां पर आपको सालों भर पीपीआर का वैक्सीन मिल जाएगा। लेकिन जब भी मिलेगा वो 100 बकरी का डोज मिलेगा आपको, है ना। एक ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा है कि आप बिहार सरकार से कॉन्ट्रैक्ट में रहें, प्रत्येक साल मुफ्त में टीकाकरण करवाई जाती है, वहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी लोकल मार्केट में वैक्सीन टीका उपलब्ध नहीं रहता। बड़े बेसब्री से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, पता है इनके सवाल जानने का क्या इसका तात्पर्य है। वो एक बकरी पूरे लाइफ में कितना खाना खाती है, शायद ये कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं अपने गोट फार्मिंग खोलने के लिए। देखिए अब आप जोड़ दीजिए, पहले ही बता चुके हैं कि 5% जोड़ लीजिए आप कितना बकरी का वजन होगा, किस नस्ल का रखना चाह रहे हैं। 5% जोड़ लीजिए कि 10 किलो वजन है तो 5 किलो 500 ग्राम सूखा खाएगी एक दिन में, अब इसके अनुसार आप पूरे लाख जोड़ दीजिए कितना हो सकती है। अररिया से पूछ रहे हैं कि बरसीम घास में बकरी के लिए प्रोटीन भरपूर मात्रा में है या नहीं। बरसीम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, बरसीम बहुत अच्छी होती है, इसमें लगभग 16-18% प्रोटीन की मात्रा होती है, है ना। तो बरसीम चारा आप बकरी पालन के लिए अच्छी तरह से उपयोग कीजिए, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगी। जी अगला सवाल हम ले लेते हैं, कुंदन कुमार हैं, इज देयर एनी ट्रेनिंग सेंटर इन छपरा। छपरा के बारे में आपको बताया गया कि सभी जिले में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, जिस जिले में हमारा नहीं है वहाँ कोई ना कोई कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा कार्यालय है, और सालों भर इससे संबंधित वहाँ पर ट्रेनिंग चलती रहती है, आप जरूर वहाँ पर संपर्क करें। बक्सर जिले में कौन सा नस्ल है, ये पूरे बिहार के लिए आपको बता दिया गया है कि कौन सी नस्ल बक्सर जिले के लिए उपयुक्त है। एक पूछना चाह रहे हैं कुछ कि कोई GST रिक्वायर्ड है गॉट फार्मिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो खोलना चाहें तो। नहीं इसके लिए कोई GST रिक्वायरमेंट नहीं। जी इसलिए कोई GST या किस तरह का भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि ये एक फार्मिंग में आता है। ये टीके का शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं एक हमारे दर्शक हैं, ये बाबूली जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि इसका टीके का शेड्यूल क्या होता है। इसका एक दिन प्रशिक्षण तो दी जाएगी, लेकिन सारांश में हम आपको बता दें कि जब भी बकरी खरीदें तो खरीदने के दिन ही सबसे पहले कृमि की दवा खिला दें उसको, कृमि की दवा खिलाने के बाद इसको लीवर टॉनिक दे दें, और अगला दिन इसका छेरा बीमारी का PPR का टीकाकरण कर दें। अगला दिन सुबह में PPR का टीकाकरण कर दें, इसके बाद ये PPR का टीकाकरण 3 साल के बाद होगा, है ना। उसके बाद उसके एक हफ्ता के बाद आज PPR का टीकाकरण किए तो उसके एक हफ्ता के बाद आप एंटेरोटॉक्सिन या ET का टीकाकरण कर दें। ये दो टीका हो गया, उसके बाद आपके क्षेत्र में यदि FMD बहुत ज्यादा आउटब्रेक होती है तो भजहा जिसको बोलते हैं FMD का टीकाकरण नेक्स्ट हफ्ते कर दें। यही 3 टीका आपको दिलवानी है, जो कि जिसमें PPR का टीका एक बार पड़ गई 3 साल के बाद रिपीट होगी, ET और FMD का टीका प्रत्येक साल रिपीट करना। देव जी जानना चाह रहे हैं, ये इसके बाद एक सवाल मात्र और हम ले पाएंगे कि 100 ब्लैक बंगाल के लिए टोटल कितना एरिया की जरूरत होती है। देखिए आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, एक बकरी के लिए ब्लैक बंगाल रख रहे हैं तो 12 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ती है,
यानी कि 1200 रखना चाह रहे हैं तो 1200 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी उसके घर के लिए, है ना, 1200 स्क्वायर फीट घर के लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके दुगना उसके घूमने के लिए, 1200 इधर 1200 इधर, 2400 स्क्वायर फीट और इसको घूमने के लिए, मतलब 1200 या 3600 स्क्वायर फीट जगह इसके लिए होगी। लेकिन आपको ये ध्यान देने की जरूरत है 3600 स्क्वायर फीट 100 बकरी के लिए, लेकिन हम एक चीज बता चुके हैं 100 बकरी एक साल में लगभग आपको 300 बकरियां और देगी बच्चे, यानी आपको ऐसा 400 बकरी का अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। 100 के लिए बता दिए हम 3600 स्क्वायर फीट, लेकिन आपको अरेंजमेंट करना है 400 बकरी के लिए, क्योंकि 6 महीना के बाद ही 600 बच्चा देने वाला। जी एक सवाल और हम ले लेते हैं, दो सवाल हम एक साथ पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, एक साथ जवाब आप दे देंगे। एक है कोई शेर बहादुर मौर्या है, जिनका सवाल है कि गाभिन बकरी को टीका लगा सकते हैं या नहीं। और एक सवाल है औरंगाबाद से आनंद कुमार का कि ये शायद गॉट फार्मिंग करना चाहते हैं और इनिशियल स्टेज में उनको क्या क्या करना होता है। तो ये पहले आप शेर बहादुर मौर्य जी गाभिन बकरी को टीका लगा सकते हैं नहीं, और एक जो आनंद कुमार औरंगाबाद से पूछ रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में उनको क्या क्या करना होगा, शायद इन्वेस्टमेंट या इससे संबंधित कोई सवाल होगा। शेर बहादुर जी, सबसे पहले बात है कि गाभिन बकरी को टीका जरूर अवश्य रूप से देनी चाहिए, क्योंकि गाभिन बकरी को जब देंगे तो मेमना जो होगी उसकी सेफ्टी वही करेगी। लेकिन आपको ध्यान केवल ये रखना है कि जो बकरी है जिसमें टीका दे रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करें, पकड़े, उसका पेट नहीं दबे, क्योंकि इंजेक्शन के डर से बकरियां चूंकि भड़कती ज्यादा है तो गिरने की संभावना रहती है, पकड़ने में पेट दब गया तो समस्या होगी, टीका से कभी समस्या नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न जो है कि शुरुआत में क्या करना चाहिए, है ना, तो शुरुआत में आप किस तरह का मतलब जानकारी लेना चाह रहे हैं, व्यवस्था अनुदान वाले भी बता चुके हैं आपको, बाकी डिटेल में आपको आवास से ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे मुख्य जो है टीकाकरण का शेड्यूल जो बताए वो जरूर आप करें, कुछ भी करें लेकिन शेड्यूल जरूर फॉलो करें, नहीं तो जिसे एक निरुमा जी समथिंग जो थी उनके साथ जो घटना हो रही वही घटना आपके साथ भी हो सकती है, तो ये शेड्यूल जरूर फॉलो करें और उसके आप कम से कम 6 महीने के लिए आहार के प्रबंधन कर लें, क्योंकि बकरी पालक जितने होते हैं बकरी में हमेशा फायदा आपको इनकम आना शुरू होगा 1.5-2 साल के बाद, तो आप ध्यान में रखें 1.5-2 साल तक इन्वेस्टमेंट की क्षमता आपके पास रहनी चाहिए तभी बकरी पालन शुरू करें। आज ऐसा नहीं है कि आज लगाए कल से इनकम शुरू हो रही है, तो आप कितनी व्यवस्था कर लेनी होगी। जी राजदेव जी अररिया से पूछ रहे हैं कि कई बार बकरी जो है जन्म देने के 2-3 दिन बाद उनके बच्चे मर जाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं जबकि जनने से पहले उसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं देखे गए हैं। देखिए जनने से पहले जो बीमारी के लक्षण होते हैं ना वैसा कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि गर्भाशय का इन्फेक्शन होता है वो सालों भर इन्फेक्शन रहेगी फिर भी आपको नहीं समझ में आ सकती, पहली बात तो है। दूसरी बात है कि गाभिन होने के समय यदि उसको ढंग से खाना नहीं मिलेगा तो बच्चा जो जन्म लेता वो कमजोर पैदा होती है, कमजोर होती है तो उसमें 3 बच्चे जो है तो पहला बच्चा मजबूत होगा वही 2 बच्चा मिलकर दूध पी जाता है, जो कमजोर हमेशा कमजोरी रह जाती है उसके कारण भूखे रहने कारण मृत्यु ज्यादा होती है। हमको समझ में नहीं आती है कि दूध बकरी समाप्त हो गई या पिछला बच्चा जो कमजोर है बाद में जाके पी रहा उसका पेट कभी भरा ही नहीं, इसके कारण भी बच्चा जो है बकरी का इसके कारण भी मरती है। यदि बाहर से आप दूध का अरेंजमेंट करें तो उसकी मोर्टिलिटी कम हो जाएगी। जी एक आखिरी सवाल जो कि एक हमारे दर्शक बार बार पूछ रहे हैं कि बकरी और मुर्गी पालन एक साथ करना चाहते हैं, ये दोनों ठीक रहता है आगे चलकर? देखिए बकरी मुर्गी दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन मुर्गी उसमें देसी रहेगी, है ना, देसी मुर्गी रहेगी आराम से कर सकते हैं, मैं कंडीशन भी आ रहा है यदि बकरी या गाय के साथ मुर्गी रखते हैं तो चमोकने की शिकायत आपकी कम हो जाएगी, मतलब जितने चमोकन रहेंगे उसको बकरियां खा जाएगी, लेकिन आप फार्म वाला ब्रॉयलर करना चाह रहे हैं तो वो तो कभी साथ में कर ही नहीं सकते हैं ना, है ना, ब्रॉयलर को हमेशा अलग रखेंगे, ब्रॉयलर फार्म भी करना चाह रहे हैं तो बकरी से अलग रखें। जी तो सभी दर्शकों को आज हम बता देना चाहते हैं कि बकरी पालन का जो ये पहली किस्त है पहली कड़ी है वो आज आप लोग के सामने ये था, और डॉक्टर धर्मेंद्र जी बखूबी आपके सवालों का भी जवाब दिए और जो अपने जो उनके अनुभव थे और जो उनकी एक लेक्चर थे वो आपने इसमें सुना। कई दर्शक जो है मांग कर रहे हैं कि जो आपके जो PPT है वो जरूर शेयर करें, तो डॉक्टर साहब आप हमें अगर आप शेयर कर देंगे तो हम एक लिंक बना के उनको हम
इसमें कम्युनिटी फोरम जो है यूट्यूब का, हम उसमें उनको शेयर कर देंगे। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे कम्युनिटी एक्सेस उनको मिल जाएगा, और उस कम्युनिटी एक्सेस में जा करके आप उस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। तो कल का जो दिन है वो फिर से ट्रेनिंग का होगा, ये बकरी पालन पे ही। 11 बजे फिर से आप लोग जुड़िए हमारे इस चैनल पे, और यहाँ पे आपको बकरी पालन से संबंधित अन्य बातें आपको बताई जाएंगी, जिसमें कि आपको जो बातें आज बताई गई वो रिपीट नहीं की जाएगी, बल्कि कुछ नई बातें होंगी और नए एक्सपर्ट होंगे। तो डॉक्टर साहब, सभी दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे से यूं ही जुड़े रहिए और इसी तरीके से आप प्रशिक्षण लेते रहिए। नमस्कार।